गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोग गुप्त काल पे बात कर रहे थे, है ना। बट बात कुछ भी गुप्त तरीके से नहीं हुई थी, है ना। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था, है ना। और राजनीतिक जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, समाज अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ पहलू थे, संस्कृति में जितने भी पहलू थे, वो सारी बातें एक बार आपको बताई गई। चाहे वो कला से जुड़ा हुआ स्थापत्य हो, मूर्तिकला, चित्रकला, धर्म, जितनी प्रमुख प्रमुख बातें थी वो सब बताई गई आपको। कभी कभी गुप्त काल को लेकर के एक स्वर्णयुग जैसा शब्द सामने आता है ना। बस थोड़ी सी उसकी एक समझ मैं आपको दे दूं तो फिर टॉपिक की विदाई हो जाएगी, है ना। मतलब प्रस्थान करेंगे फिर इससे आगे। एक वर्ड यूज किया जाता है गोल्डन एज या स्वर्ण युग। कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे या ना कहें, ऐसे क्वेश्चन सामान्य धर्म में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है क्या? हुआ असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सामान्यतः नहीं पूछे जाते। मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बताना ही तो चाह रहा हूं मैं, ठीक है, है ना। क्योंकि इसका ना कल्चरल कोनोटेशन निकल कर आता है, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ एक वो एंगल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यदि कुछ उस तरह से पूछ ले, ठीक है, है ना। बस खाली समझना है आपको, स्वर्णयुग बता दिया है आपको हमने, है ना, कि ये होता क्या है। तो स्वर्णयुग का जो सेंस लिया जाता है वो एक विकास के मापदंड से लिया जाता है। स्वर्णयुग का जो सेंस लिया जाता है वो विकास के मापदंड से लिया जाता है, ठीक है। कि किसी काल में जब हम कहते हैं ना गोल्डन एज, ठीक है, तो किसी काल में राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्रों में विकास का पैमाना, ठीक है। किसको, जैसे मान लो मौर्य काल राजनीतिक मामलों में साम्राज्य विस्तार, प्रशासन के मामले में, ठीक है, कला के मामले में भी कह सकते हैं उसे हम, है ना। मौर्योत्तर काल को हम अर्थव्यवस्था के मामले में और मूर्तिकला के मामले में कह सकते हैं। एक काल जिसने विकास के एक अच्छे स्तर को प्राप्त, समझ में आ रही बात सभी को ना। जैसे मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला एक चरम पे थी वो, और आर्थिक विकास भी प्राचीन भारत में देखोगे आप। मौर्य काल की बात करें हम, ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस है कि मौर्य काल में राजनीतिक सिस्टम जो था उनका, उसका कोई मैच नहीं है। आज भी उसके इंपैक्ट की बात की जाती है, और बहुत हद तक कला के मामले में भी, जो राजकीय कला था उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड तो था ही, जितना संभव था, है ना। तो हर काल की कुछ खास बातें हैं। गुप्त काल की जब चर्चा होती है तो जो गुप्त राजवंशों की तारीफ करने वाले विद्वान हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में यह अद्भुत काल था, आर्थिक क्षेत्र में महाअद्भुत काल था, सामाजिक क्षेत्र में तो पूछो ही मत, मतलब ठीक है ना, विकास के इसने सारी ऊंचाइयों को छू लिया था। तारीफ करने वाले ऐसे तारीफ करेंगे, हमें जाना नहीं कौन करता है कौन नहीं करता है। हमें जब पूछा जाए गोल्डन एज क्या है, तो भाई विकास के एक मापदंड, ठीक है ना, विकास का एक स्तर अलग अलग क्षेत्रों में। और इस अर्थ में इतिहास में किसी कालखंड को हम स्वर्णयुग कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक है। गुप्त काल में कोई दो राय नहीं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, हिंदू धर्म के क्षेत्र में, ठीक है, देखा जाए तो, है ना, मंदिर स्थापत्य के क्षेत्र में देखा जाए, सहिष्णुता की बात करनी है आपको, अजंता चित्रकला की बात करें हम, है ना, चार पांच ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो मतलब आज भी उसका प्रभाव हूबहू वैसे ही कहीं ना कहीं हम, आ रही बात समझ में। तो जो स्वर्णयुग आपसे कहा गया लिखने के लिए, आपको डिबेट में नहीं जाना था भाई, स्वर्णयुग से जो आशय है आप सामान्य तरह से लेना है, सामान्य धन के स्वर्ण को, किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं, ठीक है, किसने, किस विद्वान का तो शुरू से कोई मतलब नहीं रखा हमने,
कौन से विद्वान क्या ओपिनियन दे रहे हैं उसका कोई आपके लिए मायने नहीं रखता है, कि भी इतिहास के किसी कालखंड में स्वर्णयुग से आशय होता है, विकास के स्तर को देखा जाता है इसके अंतर्गत, और कोई दो राय नहीं कि सांस्कृतिक मामलों में गुप्तकाल ने, संस्कृति के कुछ क्षेत्रों में गुप्तकाल ने एक विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त तो किया ही था, ठीक है। और फिर हम उनके बारे में क्या खास बात थी थोड़ी थोड़ी हम बता देंगे, तो सुनिए, समझ में आ रही है बात। देखो राजनीतिक मामलों में हम क्या देखते हैं, मौर्यों से तुलना करें तो उतना बड़ा साम्राज्य था ही नहीं इनका, सेंटर का कंट्रोल भी कम था, तब ये तो नहीं कह सकते ना कि प्राचीन काल में एकदम सर्वोच्च था, ये कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते ना। सामाजिक मामलों में ऐसा तो नहीं कि कुरूतियां दूर हो गई, ऐसा था क्या कभी समाज में, नहीं रहा ना। तो सामाजिक असमानता है, भेदभाव, छुआछूत, दास प्रथा, वो सब है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत सकारात्मक चीजें दिखेंगी थोड़ी बहुत आपको है, ठीक है। आर्थिक मामलों में हम कहीं ना कहीं गुप्तकाल के अंत तक आते आते व्यापार वाणिज्य शिल्प वगैरह में गिरावट के संकेत, आम लेन देन में सिक्कों के गिरावट के संकेत, और कोई भी ऐसा काल नहीं होता इतिहास का, इतिहास का कोई भी ऐसा काल नहीं होता है इतिहास का जहां आर्थिक असमानता ना हो। क्या आज असमानता नहीं है, क्या आज भी असमानता है, आ रही बात समझ में सभी को, तो आज भी असमानता है, ठीक है। तो किसी भी काल को, बट फिर भी हम क्या देखते हैं, देखते हैं कि विकास का स्तर, तो आर्थिक विकास के मामले में मौर्योत्तर काल, शहरों की बात करें हम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की बात करें हम, शिल्पों की बात करें हम, तो मौर्योत्तर काल को एक ऊंचाई वाला काल माना जाता है प्राचीन भारत में। राजनीतिक मामलों में मौर्य काल को माना जाता है। सामाजिक मामलों में कोई वैसा काल हो नहीं सकता, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है तो हम ऋग्वेद को मान लेंगे, जहां सामाजिक कुरूतियां वगैरह नहीं थी, सबको सारे अधिकार थे, समझ में आ रही है बात। यदि मानना चाहे तो ऋग्वेद को मान लेंगे, ठीक है। मूर्तिकला के मामले में यदि देखा जाए तो मौर्योत्तर काल निश्चित तौर पे, ठीक है ना। तो अलग अलग काल का, प्राचीन काल में विकास का एक अच्छा खासा पैमाना। मंदिर स्थापत्य के मामले में, हालांकि मंदिर स्थापत्य अभी अगले काल में जब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ज्यादा विकास आपको दिखेगा, बट चूंकि लिखना भी तो है, सब छोड़ ही देंगे कि ये नहीं लिखेंगे तो फिर लिखेंगे क्या हम आंसर में, लिखने के लिए रास्ता बनाया जाता है ना। हिंदू धर्म की बहुत सारी विशेषताएं इस काल में उभर कर सामने आती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि एकाएक किसी काल में उभर कर आए, उसके आधार बन रहे होते हैं पहले से, ये सब आर्गुमेंट का हिस्सा होता है। तो धर्म के मामले में, मंदिर स्थापत्य के मामले में, साहित्य के मामले में, इवन वैज्ञानिक साहित्य के मामले में, धार्मिक साहित्य के मामले में, नाटक साहित्य, वहां तो आप ठीक से जिक्र कर सकते हो तीनों को अलग अलग बना करके। आप आज भी इसको हम एक मतलब उदाहरण के तौर पे लेते हैं, क्लियर सभी को, ठीक है। और बाकी जैसे आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया में भी बहुत सारे डिबेट होते थे हिस्ट्री में, तो हम डिबेट में किसने क्या कहा उसको हम छोड़ देते थे, यहां पे भी इसके वैसे भी कोई मतलब नहीं है हमें। तो कितने लोगों ने लिखा असाइनमेंट, वेरी गुड। क्या इस दिशा में असाइनमेंट था क्या, लगभग, कोई बात नहीं, आपने अपने तरीके से लिखा है ना, ये ओपन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम, यदि आपने आर्गुमेंट किया कुछ भी, अपनी बात कही है तो लेट्स सी ना, यही तो देखो असाइनमेंट का क्या है, आप लिखिए ना, यही तो इंपॉर्टेंट बात है इसका, कि आप डरिए नहीं यहां पे, आप कहिए अपनी बात जो आपको समझ में आ रही है, अंदर नहीं रखना, उसे निकाल देना है कॉपी पे, है ना, ठीक है। सिलेबस में हमने आपको एक गुप्तोत्तर काल और एक पूर्व मध्य काल, ठीक है, दो टॉपिक और हमने आपको कहा था कि भाई पढ़ना है हमें, है ना, जरा उसका एक खाका खींचते हैं हम लोग। पहले समझ लेते हैं इसको, फिर हम गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। गुप्तोत्तर काल जब हम कहते हैं तो 550 से 750 ईस्वी, ठीक है, गुप्तोत्तर मतलब गुप्तों के बाद कोई भी काल, बट सुविधा के लिए से 550 से 750, जैसे मौर्योत्तर काल हमने कहा,
जल्दी मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, वहां आएगा दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी। एग्जामिनर को पता है कि फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो जब आ जाए वैसा क्वेश्चन गुप्तोत्तर काल का, मतलब गुप्तों के बाद जहां तक ले सकते हैं ले लें हम। ये दो डिवीजन नाम जो मैं दे रहा हूं सुविधा के लिए दे रहा हूं, समझ में आ रही है बात? वरना केवल गुप्तोत्तर काल का मतलब 750 पे नहीं रुकेगा, आगे भी चले ले जाओ जहां तक ले जा सकते हैं आप। खींच इसमें टॉपिक देखा जाए उत्तर भारत में, तो मेनली हर्षवर्धन, जिसकी बात अभी करेंगे हम, और दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव, पल्लवों का दायरा थोड़ा और आगे तक भी है। चालुक्यों का शासन रहेगा महाराष्ट्र आंध्र जहां सातवाहनों का शासन था, पल्लवों का शासन वहां होगा जहां चोलों और पांड्यों का शासन था संगम काल में, ठीक है। बट मैं अभी इसकी बात करूंगा आपसे, अभी दक्षिण भारत के इतिहास में एक साथ अभी कराऊंगा आपको, शुरू करूंगा तो वहां उस क्रम में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? समझ में आ रही है बात सभी को? इस अवधि में हम इन तीन राजवंशों पे बात करते हैं एक समझने के लिए। अब जब पूर्व मध्य काल में आएंगे हम 750 से 1200 ईस्वी, बस अभी समझ लीजिए आप, एक बार लिखवाना तो है ही मुझे। उत्तर भारत में जैसे हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के बाद थोड़ा एक सिस्टम, बहुत मतलब जानकारी नहीं है कि किसका शासन रहा नहीं रहा, कुछ कुछ उल्लेख मिलता है, मैं भी बता दूंगा आपको कि भाई किसका रहा है ना। बट उत्तर भारत में मेनली प्रतिहार, और जब प्रतिहार कमजोर पड़ जाएंगे 10वीं सदी के अंत तक, तो गुजरात में चालुक्य सोलंकी, ठीक है, राजस्थान में चौहान, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में बात करें कन्नौज में गहरवाल या राठौर, बुंदेलखंड में चंदेल, मध्य प्रदेश का ही जो मालवा का इलाका है वहां एक परमार आएगा जो राष्ट्रकूटों का सामंत रहा हुआ, मैं बताऊंगा वहां पे परमार, जबलपुर वाले इलाके में चद्दी राजवंश कलचूरी के चद्दी, और बंगाल की तरफ आ जाए बिहार बंगाल की तरफ आ जाए तो पाल वंश सेन वंश, कश्मीर में उत्पल वंश कारकोट वंश लोहार वंश, पाकिस्तान वाले इलाके में शाही वंश, और सिंध वाले इलाके में पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में ब्राह्मण वंश। हम रेफरेंस केवल लेंगे इन वंशों का, पहले प्रतिहार और फिर भारतीय इतिहास का। यह बहुत चुनौती वाला टॉपिक है, मैं सब लिखाऊंगा, लिखिएगा कुछ भी मत अभी, आपको एक झलक दिखा रहा हूं मैं, झलक दिखला जा गाना बहुत हिट हुआ था कभी, है ना? ये भारतीय इतिहास के सबसे चुनौती वाले टॉपिक में एक है। कोई इसको पढ़ना शुरू करे तो इतिहास छोड़ के भाग जाए वो, कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं इतिहास, है ना? यहां पे भी एक सिस्टम है कि क्या हमें पढ़ना है, छोड़ना तो चलो छोड़ ही दीजिए आप, वो मैं अपने साथ साथ कराऊंगा आपको। उत्तर भारत में इसी अवधि में उत्तर भारत में अरबों का भी आक्रमण होगा, अरब आक्रमण सिंध में, महमूद गजनवी का आक्रमण होगा, महमूद गजनी का आक्रमण, ठीक है, 17 बार उसने आक्रमण किए थे, ठीक है, और उसमें एक दो आक्रमण का उल्लेख करेंगे हम, और लास्ट में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा अफगानिस्तान से, ठीक है, और गौरी के द्वारा उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत नामक, मतलब गौरी नहीं उसके एक सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो 1200-1206 से आगे एक अलग घटनाक्रम, हम उत्तर भारत में मोटे तौर पर इस्लामिक शासक हैं, और धीरे धीरे फिर हम देखेंगे प्रारंभिक तुर्कों के बारे में, फिर खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोधी वंश, ऐसे करके फिर मध्यकाल के अलग अलग टॉपिक पे हम, वैसे इसको भी मध्यकाल में ले सकते हैं, पूर्व मध्यकाल को भी, ठीक है, इसको भी लिया जाता है कभी जिसको लेने वाले, बस संक्रमण वाले फेज में इसको रख के चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस दो टॉपिक पे हम, इसमें पहले हम अभी इसकी बात करेंगे।
और दक्षिण भारत में जब हम बताएंगे आपको हम इसी अवधि में, तो पहले ये दोनों बता देंगे आपको। इसके बाद जो अलग अलग राजवंश आए हैं उसका दो दो तीन तीन लाइन का परिचय है कि जैसे चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य आए, पल्लवों के बाद चोल है, वहां ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और इस तरह से उन राजवंशों के बारे में भी एक परिचय। तो ये तो होगा राजनीतिक परिचय। इसी में एक सामंतवादी व्यवस्था बता देंगे आपको हम क्या है, और थोड़ा उसका इम्पैक्ट बता देंगे आपको हम, जरूरी भी है जानना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उससे भी प्रारंभिक परीक्षा में। और इसके बाद इस काल में हम कल्चर में हम स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला, और जब स्थापत्य की बात करेंगे तो यहीं पे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, मंदिर निर्माण की तीन शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। चित्रकला के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल रही है हमें यहाँ पे, लघु चित्रों के बारे में, गुफा चित्रों के बारे में वो ले लेंगे हम। मूर्तिकला पहले की तरह ही है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस आएंगे वो हम जिक्र कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब ये पूरा एंड, ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा, उसके बाद प्राचीन भारत में साहित्य, ठीक है, प्राचीन भारत में साहित्य, उसमें अलग से विज्ञान साहित्य के बारे में एक परिचय देंगे आपका हम, कि देखो कैसे कैसे हमने पढ़ा है, वहां नोट्स का भी सपोर्ट लेंगे। भारतीय संस्कृति का एशिया में प्रसार, उसका एक खाका खींचेंगे हम। प्राचीन भारत में शिक्षा, उसके बारे में एक आउटलाइन बनाएंगे। प्राचीन भारत करके दो चार चीजें हम एंड करेंगे हम। उसी में आर्किटेक्चर का भी एक खाका बना देंगे हम, पेंटिंग का भी, मूर्तिकला का भी। जैसे मान लो पूरे प्राचीन भारत को लेके पूछा जाए तो क्या हो सकता है, रॉक कट आर्किटेक्चर या इस तरह की, जो जो हमने पढ़ा, जैसे ऐसा क्वेश्चन है तो क्या फ्रेम करेंगे उसमें हम, ठीक है। इसकी भी एक आपको समझ दे दी जाएगी, क्लियर ना, एक परिचय सा था ये। लिखें आप जरा, शीर्षक दे दें आप गुप्तों के पश्चात, गुप्तों के पश्चात ब्रैकेट में कर लीजिए आप 550 से 750 ईस्वी, कालखंड थोड़ा हमने इसलिए बता दिया आपको ना, कभी आपसे पूछ दे कि छठी सदी के मध्य से आठवीं सदी के मध्य के बीच भारत में सांस्कृतिक विकास, भारत में स्थापत्य के विकास, ठीक है, तो ये तो पता रहे कि ये तीन राह के कम से कम बात करें। समझ में आ गई बात? बस इसीलिए केवल इतनी बात बताई आपको हमने कि कभी कह दे तो बात किसकी करें हम इसमें, हम भाई इन तीन राजवंशों के बारे में जो जानकारी है हम वहां रख देंगे, जितनी जानकारी है इसकी संभावना रहेगी एग्जाम में, ठीक है। पहला पॉइंट लिखें आप, गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय, छोटे छोटे राज्यों का उदय, जैसे लिख लें आप मगध में उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश, कन्नौज में मौखरी वंश, मौखरी वंश लिखे, हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश, हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश, ठीक है, वर्धन वंश, कौमा देखे लिखे आप, बल्लभी में मैत्रक वंश, बल्लभी गुजरात में पड़ेगा, बल्लभी में मैत्रक वंश,
कॉमा पंजाब राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, पंजाब एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर हूणों का शासन शासन इत्यादि। अभी क्या हुआ था, इस अभी जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें इन राजवंशों को दिया था मैच करने के लिए, मतलब एक तरफ नाम थे और एक तरफ एरिया दिया गया था। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना एक होता है कि जैसे शुरू से इस बात पे बल है कि भाई आप क्रम बना के चलिए आप इसको, है ना। पिछले दो बार से, मतलब पूर्व मध्यकाल से, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल इस वाले खंड से अरेंज वगैरह करने के लिए ही आ रहा है। इतने शासक हैं, एक साल में भी याद ना हो, केवल चोलों ने 400 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, तो जहां जरूरत के हिसाब से कोई प्रमुख शासक है, कहीं पे संस्थापक जरूरी है, कहीं पे जो जो काम काम की बातें जिसके लिए जाना जाता है थोड़ा बहुत, क्रम तो बनना ही चाहिए, क्योंकि कल्चरल हिस्ट्री में आपको क्रम हेल्प करता है किसके बाद किस क्षेत्र पे किस राजवंश का शासन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, आगे लिखें आप, शीर्षक देते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। देखिए आप, पहला पॉइंट, गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में हर्ष के नेतृत्व में अपेक्षाकृत एक बड़े राज्य की स्थापना जिसमें पंजाब लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग, पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा बड़ी संख्या में शासक इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। और भी शासक थे जो इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। देखो आप, अगला पॉइंट लिखो आप, हर्षवर्धन थानेश्वर के वर्धन वंश का था, और वैवाहिक संबंधों के कारण कन्नौज पर भी इसका प्रभाव ठीक है, वैवाहिक संबंधों के कारण, कौमा देके लिखें,
कन्नौज को केंद्र बनाकर ही इसने उत्तर भारत पर शासन किया। कन्नौज को केंद्र बनाकर ही इसने उत्तर भारत पर शासन किया। ठीक है, उत्तर भारत पर शासन किया। ध्यान रखने वाली बात यह है यहां पे कि अब तक उत्तर भारत की राजनीति में पाटलिपुत्र जो है सत्ता का केंद्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र का स्थान खास करके हर्षवर्धन के समय से कन्नौज, और लगभग समझ लो 1200 ईस्वी तक कन्नौज का महत्व उत्तर भारत में बना रहेगा। कन्नौज के बढ़ते महत्व का कारण यह बताया जाता है कि एक तो गंगा यमुना दोआब के मध्य में पड़ जाता है, ये क्योंकि आय का सबसे बड़ा स्रोत था किसानों से भू राजस्व, तो उस दृष्टिकोण से मतलब बहुत बीच का एकदम इलाका हो गया, ताकि आप वहां कंट्रोल है आपका, तो आप आसानी से आप आसपास के इलाकों को नियंत्रण में रख पाएंगे। दूसरा, उस समय थोड़ी ऊंचाई पे भी था, मतलब कन्नौज के बारे में कहा जाता है, ठीक है। और जब वाणिज्य व्यापार का महत्व घटा तो कृषि उपज का महत्व बढ़ा, है ना। हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के बाद कुछ वंश और आएंगे, और आगे चल करके कन्नौज पे नियंत्रण को लेकर के एक त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, एक दुल्हन उसके बारे में बताएंगे। तो कन्नौज के आर्थिक सामरिक महत्व के कारण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन इसको अपना कैपिटल बनाया और इसी को बेस बना के उत्तर भारत पर शासन, ठीक है। आगे लिखें, हर्ष के प्रशासन पर गुप्तों का प्रभाव, हर्ष के प्रशासन पर गुप्तों का प्रभाव, कॉमा लेके लिखे आप, गुप्तों का प्रभाव लिखे। हालांकि अधिकारियों को भूमि दान के रूप में वेतन देने की प्रथा की शुरुआत भूमिदान के रूप में वेतन देने की प्रथा की शुरुआत, ठीक है, कॉमा देके लिखे आप, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, लिखे कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण काल कौमा देखे लिखे इसी में, दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी नामक पुस्तक की रचना की। कादंबरी, नेक्स्ट लिखें, हर्षवर्धन को तीन नाटकों का लेखक माना जाता है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका,
कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी विद्वान से इसने लिखवा लिया था कुछ पैसे वैसे दे करके और अपना नाम। तो वैसे भी जो बड़े लोग होते हैं मतलब लिटरली जो बहुत एक्टिव हैं उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं कि बैठ के लिखें। वो सब गांधी जी तो है नहीं। गांधी जी अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करते थे। और थोड़ा उस समय यह भी था कि जैसे जेल में चले गए तो काम ज्यादा रहता नहीं था ना। मतलब आप फिर इसका रिमोट दे दीजिएगा मुझे जरा। ठीक है, तो जेल में मतलब जैसे आप पढ़ने लिखने के लिए लोग जैसे नेहरू जी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद सब जेल में जाते थे, तो वहां बैठ के कुछ अपना बौद्धिक काम। सोचो सरकार इतनी अनुमति देती थी, आप किताब वगैरह ले लीजिए, आप चूंकि राजनीतिक बंदी थे ना, आप अपराधी तो थे नहीं। अच्छा, आज राजनीतिक बंदी भी हो कोई जेल में जाएगा, ठीक है, कम से कम पढ़ने का काम तो वहां पे करेंगे क्या? वहां से भी ऑपरेट करना शुरू करेंगे। और बीच में तो कुछ ऐसा समय था, अभी अभी इधर का तो नहीं कह सकते, सुनने में आता था कि सारे जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो जेल में ही रहना पसंद करते हैं कि एक तो जेल सुरक्षित होता है और वहां से वो अपना पूरा ऑपरेट। सुनने वाली बात है, मैं कह नहीं सकता हूं दावे के साथ, ठीक है। बीच में कुछ ऐसा भी होता था कि भाई जैसे किसी को परेशान करना हो बहुत ज्यादा, से मान लो कि आपने बहुत समस्या क्रिएट कर दी, ठीक है ना, तो जेल से फोन आ गया, पुलिस वाले को बता दिया जाएगा भाई उसके नंबर पे जेल से फोन आया है किसी अपराधी का, है ना। पुलिस वाले बोले अच्छा तुम नेटवर्क चलाते हो, गैंग चलाते हो, नहीं तुम्हारे पास फोन आया है, बस हो गया काम उसके बाद। तो इस तरह के रैकेट लोग सुनने में आता है कि वैसा रैकेट, बट कितना सही है कहना मुश्किल है। तो हर्षवर्धन को तीन नाटकों का लेखक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखें, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेन सांग, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर नाम, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेन सांग नामक चीनी यात्री की भारत यात्रा वेन सांग नामक चीनी यात्री की भारत यात्रा कौमा देकर लिखो, बौद्ध धर्म को जानने, बौद्ध साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य से कौमा नालंदा महाविहार में लंबे समय तक रहा, नालंदा महाविहार में लंबे समय तक रहा और देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा भी की। हमने बताया था वेन सांग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य शर्मा की किताब के आधार पे ही चार छह पॉइंट्स में इसमें लिखवा दे रहा हूं इसके बारे में, ठीक है, उसी के बेसिस पे ताकि एक सपोर्ट सा बना रहेगा आपके लिए। पॉइंट्स में लिख लीजिए आप इसके बारे में कि हर्ष हर्ष आय को चार भागों में खर्च करता था। ठीक है, आय को चार भागों में खर्च करता था जिसमें दो भाग विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों पर
ये बता रहा है कि जो इनकम होती थी चार भाग में खर्च करता था वो, एक तो अपने ऊपर खर्च कर लिया, एक अधिकारियों के वेतन पे, बट एक हिस्सा धर्म पे खर्च कर रहा है और एक हिस्सा विद्वानों पे खर्च कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को उठाया हमने। यानी कल्चरल एक्टिविटीज को वो कहीं ना कहीं एक प्रमोट तो कर ही रहा है वो। आगे लिखे आप, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं, वेन सांग को भी लूटपाट लुटेरों का सामना करना पड़ा, इसको लूटा गया था बेसिकली, तो थोड़ा ठीक से लिखना पड़ता है ना। कि हर्षवर्धन की बड़ी तारीफ करता है कि नहीं ये मुझे बहुत ध्यान रखता था, है ना, लूटा गया था इसे, ठीक है, देखा होगा लोगों ने कि भाई लूट लो इसे, बाहर से आया है, ठीक है ना, क्या मिला होगा पता नहीं, खुद भिक्षु जैसा था, मतलब ये है ना चीनी यात्री। तो ये एक राजनीति का एक थोड़ा सा सेंस जैसा आ गया इसमें, है ना। आगे लिखे आप, इसी में वेनसांग के बारे में ही लिखे कि समाज में भेदभाव एवं छुआछूत का उल्लेख, ठीक है, जैसे ये भी कहता है जो चांडाल थे और जो अछूत वर्ग थे वो मुख्य आबादी से अलग रहते थे, लहसुन प्याज खाते थे, मांस खाते थे, और आने के पहले वो आवाज कराते थे ताकि किसी की छाया उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी एक विदेशी यात्री दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि छुआछूत का एक प्रचलन निश्चित तौर पर ध्यान खींचने वाले लेवल पे तो रहा ही होगा। एक और पॉइंट लिखे आप कि शूद्रों का कृषक के रूप में उल्लेख, शूद्रों का कृषक के रूप में उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप, आम लेन देन में कौड़ियों का प्रचलन, कौड़ियों का प्रचलन। नेक्स्ट, पटना वैशाली पाटलिपुत्र वैशाली इत्यादि शहरों के पतन की जानकारी, नेक्स्ट नालंदा की प्रशंसा, नालंदा महाविहार की प्रशंसा, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, आवासीय विद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आवासीय विद्यालय, है ना, खुद प्रशंसा करता है, इतने भिक्षु थे, इतने छात्र थे, सब बात कहता है इसमें, खुद पढ़ने भी गया था, हमारा हाजिर था वो, इत्यादि, है ना। एक और लिख लें पॉइंट, महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का भी उल्लेख, तथा अन्य धर्मों के प्रचलन की भी जानकारी, प्रचलन की भी जानकारी, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें हमने क्या किया, पहला दो पॉइंट राजनीति पे ले लिया,
फिर समाज के पॉइंट ले लिए, फिर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ले लिया, धर्म, शिक्षा, बहुत सारी बातें हैं, पर एक एक दो दो पॉइंट इसलिए ले लिया कि कभी वेनसंग के जरिए से कुछ लिखने की बात आ जाए तो हम राइटिंग में कोशिश करें कि उस समय के सभी पहलू को हम टच कर पाए यदि संभव है तो। राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सभी पहलू पे कुछ ना कुछ अपनी बातों को हम, समझ में आ रही है बात? जैसे मेगा सीरीज मैंने कहा था आपको, या फायन मैंने कहा है, या अलबरूनी की बात, हमें इसी तरह का अप्रोच रखना है कि उनके बारे में चार पांच छह बातें, एक एक बात भी सही, एक राजनीति पे, एक समाज पे, एक अर्थव्यवस्था पे एक आइडिया हो, ना कि अर्थव्यवस्था पे ही सारे पॉइंट्स हमारे पास हो। जब किसी के नजरिए से हम इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास का मतलब इतिहास के सभी पक्षों को बताने की कोशिश, ठीक है? तो फिर नंबर इसमें थोड़े हटके आएंगे, अदरवाइज एक ही तरह की जानकारी देने पे नंबर एक पक्षी हो जाता है। तो ये वेनसंग से संबंधित जानकारी हो गई आपकी, है ना? दो इंफॉर्मेशन और है हर्षवर्धन के बारे में जो कल्चर से ही जुड़ा हुआ है और एक इंपॉर्टेंट भी है। लिखें आप जरा, दोबारा से हम हर्षवर्धन पे ही लौट रहे हैं अभी हम लोग, है ना? देखिए आपकी, हर्ष प्रारंभिक जीवन में शैव था, प्रारंभिक जीवन में शैव था, शिवधर शैव संप्रदाय के अनुयायी, लेकिन वेनसांग के प्रभाव में महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी, लेकिन कन्नौज में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक सम्मेलन का आयोजन, और कई देशों के शासकों को आमंत्रित किया। ठीक है, उसमें बुद्ध की प्रतिमा पूजी गई थी, बुद्ध की प्रतिमा का आकार हर्षवर्धन इतना बड़ा ही था, और फिर वेनसांग ने महायान बौद्ध धर्म के विचार सबके सामने रखा, बहुत सारे विद्वान थे, चुनौती दी कि भाई कोई खंडन करे, कुछ दिनों तक तो कोई खंडन ही नहीं कर पाया, ऐसे भी नहीं कर पाएगा ना, शासक बैठा हो तो शासक का डर एक अलग होता है। उस दौर में राजा के सामने खंडन करें तो गए फिर आप, ठीक है? फिर कहा जाता है कि भाई सम्मेलन में कुछ किसी शरारती तत्व ने आग लगा दिया, अपने यहां शरारती तत्वों की परंपरा पुरानी है मतलब, और फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने कुछ कठोर सजाएं वगैरह दी, मतलब ठीक है, तो ऐसा एक जिक्र मिलता है कि भाई ब्राह्मणों ने मतलब आग लगा दिया होगा, है ना? पक्के प्रमाण नहीं है उसके, ठीक है? और एक निश्चित अंतराल पे वो प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और वहां बड़े पैमाने पर दान देता था, ठीक है? तो ये एक जानकारी हो गई कन्नौज वाली। एक और लिखें आप, प्रयाग में एक निश्चित अंतराल पर महामोक्ष परिषद का आयोजन, कौमा बुद्ध की प्रतिमा का पूजन, और
बड़े पैमाने पर दान, इसके बारे में कहा जाता था। बहुत दानी शासक था ये, मतलब जो कुछ भी लेकर जाता था या दान के लिए अलग से लेकर जाता था, वस्त्र के अलावा सब कुछ दान कर देता था वहां पे। ठीक है, तो एक परंपरा सी रही है, ठीक है, वहां पे है ना। तो वहां भी बुद्ध की प्रतिमा का पूजन करता है। तो महामोक्ष परिषद जैसी कुछ गतिविधियां हो रही हैं उस समय, है ना। आप देखोगे सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कल्चरल हिस्ट्री से ही हमारे जितनी भी बातों का इसमें उल्लेख किया। ध्यान आ रहा सभी को ना, इसमें कोई राजनीतिक गतिविधियों का हमने उल्लेख सिवाय शुरू के एक दो पॉइंट छोड़कर के नहीं किया। और नोट करके लिखो आप, देखो हर्षवर्धन के पश्चात थोड़े समय के लिए कन्नौज में अव्यवस्था, कौमा इसके पश्चात आयुध वंश का शासन, आयुध वंश इसमें भी तीन प्लेयर का दाएं बाएं वाली किताबों में उल्लेख मिलता है, मुख्य किताबों में नहीं, वज्रायुध, इंद्रायुध, चक्रायुध ऐसे करके, नाम क्यों रहने दीजिए आप, आयुध वंश का शासन, ठीक है, कौमा आठवीं सदी के मध्य से दसवीं सदी के मध्य तक कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष, राष्ट्रकूट राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष, ये भी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण घटना है पूर्व मध्यकाल की, तो कभी भी ना त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, किन किन राजवंशों के बीच हुआ था, सिंपल सा सवाल, किस पे नियंत्रण को लेकर हुआ था, तो कन्नौज पे, तो कन्नौज का महत्व हमने बताया आपको, कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब उत्तर भारत में सबसे बड़े शासक के रूप में माना जाएगा आपको, कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब है कि आपके पास भू राजस्व अच्छा खासा होगा, और कन्नौज एक ऐसी जगह पे है जिस जहां से आप इधर दिल्ली, हरियाणा और इधर आप बिहार तक के भूभाग पे भी नियंत्रण बनाकर लगभग उसके मध्य में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे महत्व का एक आइडिया रखना है आपने, है ना। अब आप लिखें, आप हम लोग आगे चलते हैं उत्तर भारत में पूर्व मध्यकाल, शीर्षक देते हैं आप पूर्व मध्यकाल, हम लोग क्या कर रहे हैं 1200 ईस्वी तक पहले उत्तर भारत को निपटा रहे हैं, निपटाना समझते हैं ना, हाँ ठीक है, पहले उत्तर भारत का अध्ययन कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब औपचारिक शब्दों में बोले तो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, है ना। 1200 ईस्वी तक एक फ्लो बना रहेगा आपका, फिर लिख लिया आपने पूर्व मध्यकाल, यहां लिखे आप प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश,
प्रतिहानों का जो शासन रहा है वो 8वीं सदी से 10वीं सदी के अंत या 11वीं सदी के प्रारंभ तक। ठीक है, एरिया लिख लीजिए आप इसका, प्रतिहारों का जो शासन रहा है। देखिए आप, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो, जो राजस्थान, यूपी और एमपी पे जिसका नियंत्रण है, उसका हरियाणा और दिल्ली पे वैसे ही नियंत्रण है। ये बीच में फिर बच कैसे जाएंगे? ठीक है ना? जो आप मैप पे देखोगे, जो राजस्थान पे भी प्रभाव है, एमपी पे भी प्रभाव है जिसका, यूपी के एक बड़े हिस्से पे नियंत्रण है, तो बीच में हरियाणा और दिल्ली उसके पास ही रहना है। ठीक है, ऑटोमेटिक है उसका हिस्सा वो, है ना? तो इन सब इलाकों पे ऐसा नहीं था कि आज के हिसाब से पूरा यूपी इसके पास था या पूरा एमपी इसके पास था। एमपी पे राजकूटों का भी नियंत्रण रहा है मालवा वाले क्षेत्र में, ठीक है, और कभी चालुक्यों का भी रहा है प्रभाव थोड़ा बहुत। तो बट इन हिस्सों पे प्रतिहारों का नियंत्रण था। संस्थापक का नाम लिख लो आप, नाग भट्ट प्रथम। अब कहीं पे मैं संस्थापक, कभी अंतिम शासक, कभी कोई शक्तिशाली शासक, ऐसे करके मैं एकाधा ही परिचय, मेन तो था कि ये वंश कब से कब तक रहा और किस एरिया पे रहा, ये आपको बस ध्यान रखना है। शासक का नाम वगैरह यदि हम ले भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ कल्चरल उसका इंपॉर्टेंस है, या बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है उस दौर में, ठीक है, उस मकसद से ले रहे हैं। अब देखो, एक शक्तिशाली शासक है मिहिर भोज, आठ सौ छत्तीस ईस्वी से 885 ईस्वी तक, मेहर भोज। ठीक है, अब जैसे ये 9वीं सदी के मध्य में हो गया मेहर भोज, एक ध्यान है मेहर भोज, जैसे कभी है ना सबसे शक्तिशाली राजा की गिनती होती है, तो एक राजा भोज हैं परमार वंश के, एक मेहर भोज। ऐसे पता चला चार लोकप्रिय ऐसे शासक आ गए, चार वंश आ गया, कहेगा आप मैच करिए आप। अभी ऐसा ट्रेंड चल सकता है, अभी 2 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं यहां से, ठीक है। और यहां पे लिखे एक पॉइंट और, कि अरब यात्री सुलेमान की भारत यात्रा, अरब यात्री सुलेमान की भारत यात्रा किसी के शासनकाल में, और बंगाल वगैरह भी गया था सुलेमान, है ना? कोई बहुत महत्वपूर्ण लेखक नहीं है, लेकिन नाम मिल जाता है किताबों में, नोट करके लिखें आप। लिखे प्रतिहार शासक, महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान, राजशेखर नामक विद्वान, ठीक है। राजशेखर की वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, 3 का नाम मैं लिखवा रहा हूं यहां पे। देखिए आप, राजशेखर की रचनाओं के बारे में, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, ठीक है, बाल रामायण।
नोट में एक पॉइंट और लिखें आप कि हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का, सबसे बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का तथा प्रतिहारों ने भारत में अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोका। अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोका ठीक है। लिख लिया आपने, अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोका प्रतिहारों ने। प्रतिहारों को इसलिए याद किया जाता है कि सिंध वाले इलाके में, हम आप बात करेंगे अरब आक्रमण की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और वो गुजरात या दूसरे इलाकों में फैलना चाहता था, बट प्रतिहारों ने अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोक दिया। वरना बहुत पहले जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे उनका शासन उत्तर भारत पर लगभग फिर 3.5-4 सदी के बाद ही शासन हो पाएगा ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाता है प्रतिहारों का ठीक है। अभी हमने बताया कि प्रतिहारों का शासन अलग अलग इलाकों में है ना, जैसे गुजरात है ना, राजस्थान ठीक है, यूपी, एमपी। जब प्रतिहार कमजोर पड़ जाएंगे तो गुजरात में ही चालुक्य या सोलंकी वंश, राजस्थान में चौहान, यूपी में गढ़वाल और एमपी में बुंदेलखंड के चंदेल, ये कुछ बड़े राजवंश हैं। छोटे छोटे राजवंश भी जैसे ग्वालियर में कच्छप घात ठीक है, दिल्ली में तोमर, कलचूरी के चद्दी, और भी राजवंशों का उल्लेख मिलता है। प्रतिहारों के कमजोर पड़ने के बाद इनके अधीन ही काम करने वाले जो सामंत थे उन्होंने छोटे बड़े राज्यों की स्थापना की ठीक है। अब लिखो आप, प्रतिहारों के पश्चात लिखो आप गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश, गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश यहां संस्थापक का नाम लिख लें आप, मूल राज प्रथम। संस्थापक याद नहीं रखना है, वैसे कहीं कहीं लिखवा रहा हूं मैं आपको, बस मूल राज प्रथम, मूल राज प्रथम। एक प्रमुख शासक का नाम लिखें आप, भीम प्रथम। भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी तक। इसके बारे में लिखें एक पॉइंट कि इसी काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसी काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनी जो था वो अफगानिस्तान में गजनी नामक एक जगह का शासक था। भारत पर लूटपाट के उद्देश्य 17 बार आक्रमण किया, जो आगे लिखा दूंगा मैं आपको ठीक है। 17 बार उसने आक्रमण किया भारत पर लूटपाट के उद्देश्य, उसी में एक आक्रमण था उसका सोमनाथ मंदिर पे। कौमा देखे लिखे आप,
इसी काल में मंदिर का पुनः निर्माण भी। आगे लिखें आप कि इनकी पत्नी उदयमती ने रानी का वाव, सीढ़ीदार कुआं होता है ये, उदयमती ने रानी का वाव, सीढ़ीदार कुआं हो गया ये, ठीक है, का निर्माण कौमा देखे लिख लें आप, सीढ़ीदार कुआं, सात मंजिला, दीवारों पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का उत्कीर्णन, मतलब दीवारों पर बनाया गया है उकेर करके, ठीक है। तो एक शासक हैं, एक उनकी पत्नी है, रानी का वाव जो है बहुत फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज के रेट में, और किसी रुपए में भी है क्या रानी का वाव? कितने के नोट पे है वो? शायद है किसी रुपए पे भी, कोई बात, 100 रुपए पे है। देखो जिसको श्योर होता है वो तो बोलता है, ठीक है ना, बट साथ में सब मत बोला करना, है ना, एक आदत डाल देना, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, हमें नहीं ध्यान है तो हम चुप रहेंगे, जिनको ध्यान है वो बोले, है 100 रुपए पे है, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे देखो रानी का वाव हर 100 रुपए पे है भाई, 100 रुपए का यूज तो भाई हिंदुस्तान में हर व्यक्ति करता ही होगा कभी ना कभी, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना यूज किया हो, कभी थोड़ा देख ले, देखने का फुर्सत रहती नहीं, 100 रुपए है इतना ध्यान रहता है, 500 है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करके लिखे आप यहां पर। देखिये सोलंकी काल में ही या सोलंकी शासकों के संरक्षण में हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की, एक विद्वान है, एक लिख लें आप कि सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, मोहम्मद गौरी भी अफगानिस्तान का एक आक्रमणकारी था, हालांकि बाद में यह सफल रहा और इसी के एक सेनापति ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की उत्तर भारत में, आगे जिक्र हो जाएगा उसका, है ना। तो जहां आपने लिखा है ना प्रतिहारों के पश्चात, वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप 11वीं-12वीं सदी, जो शीर्षक दिया था ना थोड़ी देर पहले, 11वीं-12वीं सदी, यानी सबका कालखंड एग्जैक्ट लिखना याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो एक मोटे मोटे तौर पे जो राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब 11वीं-12वीं सदी में है, 10वीं तक प्रतिहार थे, प्रतिहार के बाद 11वीं-12वीं सदी में उनके अधिकारी या सामंतों का शासन,
ठीक है, तो गुजरात के सोलंकी के बारे में भी एक आइडिया हो गया। बहुत सारे लोगों ने, गौरव ने तो बहुत बार 100 रुपए लिख दिया भाई, क्या बात है गौरव। टीना ने भी 100 रुपए लिखे हैं अपने ऑनलाइन, है ना 100 रुपए सबके पास। ठीक है, आगे से कोई भी नोट अब आप कभी दें तो एक बार एक दो बार देख लिया करें किस पे कौन सा बना हुआ है। और मेरे ख्याल में रानी का बाप जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने भी लिखा था और मुझे भी याद आ रहा है, है ना, ऐसा है क्या सौरभ भाई? यस। अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात, कोरोना जा चुका है, सौरभ भाई ने आज पहली बार मास्क जो है, सौरभ जी ने मास्क हटा दिया ना, कोरोना अब जा चुका है, आप इसको ले सकते हैं संकेत के तौर पे, ठीक है ना। इस तरह से मास्क लगा के आता है जैसे लगता है कि एकदम स्पाइडरमैन की तरह, ठीक है। अब जैसे गुजरात में हमने बताया आपको, सोलंकी की बात हो गई, अब जब सोलंकी का पतन होगा तो यहां एक बघेला वंश आएगा। गुजरात की राजनीति में आज भी कुछ सोलंकी, बघेला, ये लोग अपना रोल प्ले करते हैं, है ना। और जब बघेला वंश आएगा तो बघेला वंश को ही अलाउद्दीन खिलजी पराजित करेगा, एक खिलजी वंश का शासक है मध्यकाल में, और गुजरात पे कब्जा, ठीक है। तो एक क्रम सा वहां फिर बघेला वंश करा दूंगा मैं आपको कि हाँ सोलंकियों के बाद बघेला आए थे और फिर खिलजी ने कब्जा किया और खत्म कहानी हो गई। देखिए राजस्थान में हाँ अगला लिखें आप, राजस्थान में चौहान वंश, उनको शाकंभरी का चौहान भी कहते हैं, है ना। चौहान वंश, ठीक है, लिखें। चौहान शासकों ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब के कुछ इलाकों पर भी शासन किया। ठीक है, लिख लिया आपने, पंजाब के कुछ इलाकों पर शासन किया। इसी में लिखे आप कि दिल्ली पर तोमर वंश का शासन और तोमर वंश को पराजित कर तोमर वंश को पराजित कर दिल्ली पर नियंत्रण। तोमर वंश चूंकि अभी चर्चा में ज्यादा आया था, अभी ऐसी योजना है शायद केंद्र सरकार की कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जो आनंगपाल तोमर थे जिनके बारे में कहा जाता है दिल्ली को उन्होंने बसाया था, मतलब राजधानी के तौर पे, उनकी कोई बड़ी मूर्ति लगाई जा सकती है, कभी ऐसा पढ़ा है हमने, और आनंगपाल तोमर का, ठीक है। तो चर्चा में चूंकि न्यूज में है और मूर्ति जब घोषणा होगी तो मूर्ति तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है, मूर्ति बनने में कोई कोताही जो है मतलब बना दिया जाता है वो तो मतलब, है ना, ठीक है। तो चौहानों ने जो कब्जा किया था दिल्ली पे तो तोमरों को पराजित करके, और फिर चौहानों को पराजित करके जिन्हें हम तुर्क कहते हैं मोहम्मद गौरी दिल्ली पे कब्जा करेगा, और फिर दिल्ली से पूरे उत्तर भारत पे शासन होगा कि दिल्ली सत्ता का केंद्र बन, राजधानी बन जाएगी उनकी, और पूरे उत्तर भारत शासन होगा। तो दिल्ली सल्तनत करके हम अगला राजवंश में पढ़ते हैं। हम इसी में एक शासक का नाम लिखें आप जो बहुत फेमस है, पृथ्वीराज तृतीय, चौहानों में एक शासक हैं। अच्छा जिनको राजस्थान का एग्जाम देना है वो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अपना, वो
हम उन शासकों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने मतलब जिनकी एक भूमिका दिखाई पड़ रही है, बड़ी भूमिका है ना, पृथ्वीराज सिंह थी 1177 से 1192 वर्ष याद रखना जरूरी नहीं है आपके लिए, बस एक आइडिया कि 12वीं सदी के उत्तरार्ध में है। थर्ड पृथ्वीराज तृतीय देखिए आप कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, पराजित किया, लेकिन 1192 में द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने इन्हें पराजित किया। मैं फिर बता दूं, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का रहने वाला है, साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पे आक्रमण कर रहा है वो, ठीक है, वहां भी जिक्र करेंगे। भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में इसे माना जाता है। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने जब गौरी को हराया था, और यदि वो गौरी का पीछा करता, उत्तर पश्चिम तक साम्राज्य पर नियंत्रण करता और आक्रमणकारियों का आने से रोकते, तो जैसे प्रतिहारों ने लंबे समय तक अरबों को रोक दिया था, वैसे हो सकता है फिर तुर्कों का साम्राज्य, क्योंकि कहना मुश्किल होता है, होता नहीं हो पाता स्थापित। एक परंपरा थी उस समय राजपूतों में कि भाई शत्रु यदि पीठ दिखाकर भाग रहा है तो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। और जो रानियां हुआ करती थी राजपूत शासकों की, उनके बारे में कहा जाता था जब शहीद की खबर आती थी कि भाई मारे गए युद्ध में, तो वो पूछती थी पीठ पे कोई घाव तो नहीं है, यानी भागते हुए तो नहीं मारे गए ना, कहने का मतलब है, ठीक है। तो एक दौर था जहां युद्ध को खूब ग्लोरीफाई किया गया है, ठीक है, उस दौर में तो काफी साहसी शासक थे। अब चूंकि होता क्या, जैसे एग्जाम्पल देकर के मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लो कि भाई इस वाले इलाके पे शासन है राजस्थान, है ना, ठीक है, और इधर उत्तर प्रदेश में हमने बताया आपको गढ़वाल वंश है, ठीक है, यहां हमने बताया आपको अभी सोलंकी की बात की, अभी मैंने आपसे बात की ना, सोलंकी वंश या चौलुक्य वंश, यहां बुंदेलखंड में आ जाएंगे, यहां चंदेल वंश हो जाएगा आपका। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कहा जाता है बहुत शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने गढ़वालों को भी पराजित किया था। एक प्रसंग का जिक्र मिलता है कि एक गढ़वाल शासक है जयचंद्र, ठीक है, उनकी पुत्री है संयोगिता, उनका अपहरण कर लिया था इन्होंने मतलब, और कहा जाता है कि जयचंद्र इस बात से काफी खपा, प्रतिष्ठा का वो विषय था उनके लिए मतलब, और जब गौरी ने आक्रमण किया तो वो सहयोग कर सकता था, उसने सहयोग नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि गौरी को आमंत्रित ही जयचंद्र ने किया था, पक्के पक्के प्रमाण नहीं है इसके, लेकिन चूंकि महत्वाकांक्षी शासक था, आप इधर भी साम्राज्य विस्तार के लिए चंदेलों पे भी आक्रमण, सोलंकियों पे भी आक्रमण, तो वैसी स्थिति में जब आप किसी से लड़ेंगे तो मदद की उम्मीद क्या है कि भाई महत्वाकांक्षा ना कितना विस्तार कर सकते हैं, वो दौर ऐसा था, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट है वैसे भारतीय इतिहास का। ये एक दो इंफॉर्मेशन और लिखें इनके बारे में, लिखें इनके राजकवि चंद्रवरदाई ने, राजकवि हैं इनके पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की,
और जैनक भट्ट एक और विद्वान हैं, जैनक भट्ट। ने पृथ्वीराज विजय की रचना की, ठीक है। तो प्रतिहारों के पतन के बाद गुजरात में सोलंकी और इस वाले इलाके में चौहान, ठीक है। अब चौहानों को चूंकि गौरी ने पराजित कर दिया है, धीरे धीरे आगे चल करके वो हम बढ़ेंगे तुर्कों के साथ साथ कि कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में या कन्नौज में, कन्नौज में कहरवाल या राठौर वंश, और यहां के एक प्रमुख शासक है जैसे हमने बताया अभी आपको, जयचंद्र, जयचंद्र लिख लें आप कि 1194 में, 1194 में चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को प्रभावित पराजित किया। जयचंद को पराजित किया तो यहां पर भी फिर गौरी की सत्ता स्थापित हो जाएगी। चौहान के 2 वर्षों के बाद उसने जयचंद को भी पराजित, ऐसे करके गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जाएगा भारत में। प्रतिहारों के पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेल वंश, लिखे आप अगला। ये सब 11वीं-12वीं सदी में हैं, ठीक है, और बहुत 200 वर्षों में बहुत सारे शासक होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही शासक होंगे, तो वंश एरिया और कोई एक दो प्रमुख शासक की बात कर रहे हैं आपसे। लिखें आप बुंदेलखंड में चंदेल वंश, संस्थापक का नाम लिख लें नन्नुक, संस्थापक का नाम लिख लें नन्नुक। कुछ प्रमुख शासक का भी नाम लिख लें इसमें, धंग, विद्याधर, धंग विद्याधर इत्यादि कर दीजिए आप, क्योंकि चंदेलों की जो चर्चा होती है ना वो मंदिर स्थापित के लिए होती है, जब अभी हम लोग बात करेंगे, है ना, तो वहां फिर थोड़ी बहुत नाम की कभी जरूरत पड़ सकती है आपको। लिखे प्रमुख स्थल, एक और जानकारी लिख लें प्रमुख स्थल महोबा, महोबा जो थी वो चंदेलों की राजधानी थी, महोबा ब्रैकेट में लिख लें आप कैपिटल, महोबा के बाद लिखें खजुराहो, छतरपुर, ठीक है, और 11वीं-12वीं सदी में ये भी हैं। फिर आगे जब तुर्कों का अभियान होगा तो इनके विरुद्ध भी अभियान होगा, बीच बीच में आक्रमण हुआ है यहां पे भी, लेकिन सरवाइव करते रहेंगे लोग, या प्रतिरोध किया है मजबूती से, सरवाइव भी नहीं किया, प्रतिरोध भी किया, लड़े भी हैं। नेक्स्ट लिखें आप मालवा में परमार वंश,
या मालवा के परमार वंश। ठीक है, मालवा के परमार वंश। ठीक है, पहला पॉइंट, राष्ट्रकूटों के सामंत एक महत्वपूर्ण शासक का नाम लिखें आप, राजा भोज। राजा भोज 1010 से 1060 ईस्वी तक शासन था इनका, राजा भोज का 1010 से 1060 ईस्वी तक शासन था राजा भोज का। ठीक है, इनके बारे में लिख लें आप, विद्वान शासक, सरस्वती के उपासक, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, राजधानी धार में, राजधानी धार में संस्कृत विद्यालय एवं सरस्वती मंदिर की स्थापना। विद्यालय एवं सरस्वती मंदिर की स्थापना। कौमा देखे लिखे, भोपाल के नजदीक भोजसर नामक तालाब, भोजपुर नामक शहर, ठीक है, भोजसर नामक तालाब, भोजपुर नामक शहर भोपाल के नजदीक बनाया था। और लिख लें आप नेक्स्ट, कई पुस्तकों के लेखक, ये तीन नाम यहां पे हैं, समरांगन सूत्रधार, लिखो समरांगन सूत्रधार, ये स्थापत्य पर है, आर्किटेक्चर पर किताब है। युक्ति युक्त कल्प तरु, युक्ति युक्त कल्प तरु, ये शिल्प के ऊपर किताब है। और सरस्वती कंठाभरण संगीत पर किताब है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के स्कॉलर रहे होंगे ये, है ना। इतिहास में जैसे जो इतिहास की किताबें हैं नॉर्मली चलती हैं, मतलब आप उसमें, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे अब राजा भोज हैं, है ना, तो एक नई तरह की पहचान लेकर आ रहे हैं। और अलग से ना, मतलब पूर्व मध्यकाल के क्षेत्रीय राज्य में कुछ अलग अलग शासकों के बारे में भी, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में स्कूल के लेवल पे भी बताया जाना चाहिए, मतलब ठीक से, है ना। तो लगभग एक तरह से गायब जैसे हो जाते हैं मतलब किताबों में, ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल मॉडर्न एरा में स्कॉलर हैं, मतलब एक अलग अलग दौर में भी स्कॉलर हैं जो साहसिक शासक हैं, राजा हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे थे भी हम लोग, है ना, उनका जिक्र तो थोड़ा मिल भी जाता है, राजा भोज का भी जिक्र होता है, बट ठीक तरीके से मतलब इनके बारे में
जैसे ना अलग अलग क्षेत्र, जैसे राजस्थान से कोई एक दो एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश से एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश, इस तरह के भी चैप्टर होने चाहिए जहां भारत की विविधता को समेटे हुए भी विरासत को आगे बढ़ाने का काम है ना। तो मालवा वाले क्षेत्र में जैसा हमने अभी आपको बताया कि ये जो है आपका, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं एक परमार अभी बात की, यहां पे सोलंकी है ना, यहां पे चौहान की बात कर रहे थे, यहां हम राठौर और यहां पर चंदेल, ठीक है। ये राष्ट्रकूटों का सामंत इन्हें माना गया है। राष्ट्रकूट एक राज्य था महाराष्ट्र आंध्र वाले इलाके में, उसकी बात करेंगे आपसे थोड़ी देर में भी है ना। और लिख लें आप कुछ एक नाम, जरा नोट करके लिख लें आप कि लिखें जबलपुर, जबलपुर में कलचूरी का चेद्दी वंश, कलचूरी जैसे कभी वंश मिलाने के लिए आ गया तो पता तो रहे कि जबलपुर या कलचूरी, एक चेद्दी वंश उड़ीसा में भी था, महामोग वाहन या चेद्दी वंश, ठीक है। एक यहां पे भी है, कॉमा देके लिखें आप, ग्वालियर में कच्छप घात वंश, कच्छप घात वंश, ठीक है। और दिल्ली का तोमर तो हमने लिखा ही दिया आपको है ना, बस रिमेंबर रखने के लिए कि यहां पे इन वंशों का शासन रहा है पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। अब ऐसे ही कश्मीर वाले इलाके में, ठीक है, जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है यहां पर, और इस वाले इलाके में यहां पर शाही वंश, यहां पर पहले ब्राह्मण वंश था, फिर उसके बाद यहीं पर अरब आक्रमण होता है और राजस्थान गुजरात वाले इलाके में प्रतिहार था जिसने अरब आक्रमण को रोका था, और कश्मीर में कारकोट, उत्पल और लोहार, अलग से लिखा दे रहा हूं मैं आपको, कश्मीर वाले इलाके में मतलब गुप्तों या हर्षवर्धन के समकक्ष ही है वहां पे कारकोट, उसके बाद उत्पल और लोहार वंश रेफरेंस के तौर पे है ना। नोट में अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कश्मीर में कारकोट वंश, ब्रैकेट में अवधि लिख लेंगे आप 596 से 810, ठीक है। उसके बाद है उत्पल वंश 855 से 1003, ठीक है। और उत्पल वंश जहां लिखेंगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप, यहां पे एक रानी दिद्दा का शासन रहा है, रानी दिद्दा, ठीक है, महिला शासिका का उल्लेख मिलता है। और एक लोहार वंश लिख लें आप अगला 1003 से 1339, ठीक है। तो मोटे तौर पे आप देखोगे तो लगभग समझ के चलो हर्षवर्धन के आसपास कारकोट वंश, पूर्व मध्यकाल में उत्पल और लोहार वंश, फिर इसके बाद यहां पर भी इस्लामिक शासन, ठीक है। लास्ट वाला जो लोहार वंश आपने लिखा है, इसमें एक पॉइंट और लिख लें आप, 12वीं सदी में इस वंश के शासक जय सिंह के दरबार में कलहन नामक विद्वान,
12वीं सदी में इस वंश के शासक जय सिंह के दरबार में कलहन नामक विद्वान ठीक है कलहन नामक विद्वान पूछिए आपने कलहन की रचना है राज तरंगिनी लिखा है तो फिर दोबारा लिख लीजिए लिखना चाहें तो आप इसे प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। यहां सदी याद रखिएगा है ना 12वीं सदी ठीक है इसे प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। ऐतिहासिक माने जाने का जो आधार होता है वो ये होता है कि कलहन ने अपनी किताब में बताया है कि किन सोर्स का वो उपयोग कर रहे हैं और कलहन ने काल क्रम में भारत में जो किताबें लिखी जाती थी उसमें काल क्रम को महत्व नहीं दिया जाता था तो एक काल क्रम में किस काल में काल क्रम का ध्यान रखा है उसने सोर्स का उल्लेख किया है काल क्रम का ध्यान रखा है निरंतरता परिवर्तन का ध्यान रखा है इसलिए इस रचना को भारत की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। क्या सवाल है आपका किसके ऊपर बेस है इसका तो ध्यान नहीं है मुझे भी कुछ आइडिया हो तो बताइए आप ऐतिहासिक पुस्तक है तो अलग अलग राजवंशों की कहानी होगी उसमें ठीक है सभी राजवंशों के बारे में उसमें बताया जाएगा पहले के जो राजवंश हैं उसमें मौर्यों का भी उल्लेख मिलता है कश्मीर पे जितना शासन रहा है कश्मीर के इतिहास पे बेस है ये मतलब मुझे लगा कुछ और स्पेसिफिक बात होगी शायद आप ये कश्मीर के इतिहास पे बेस है ठीक है तो उत्तर भारत का एक राजनीतिक परिचय ले रहे हैं हम लोग 1200 ईस्वी तक का हर्षवर्धन से कहानी शुरू हुई थी आगे लिखें आप नोट में ही अगला लिखें आप पंजाब में शाही वंश का शासन ये पंजाब का इलाका हो गया शाही वंश का शासन मतलब कश्मीर से सिंध के बीच ठीक है और कौमा देके लिखे महमूद गजनी ने सर्वप्रथम शाही वंश के विरुद्ध ही अभियान किया था सर्वप्रथम शाही वंश के विरुद्ध अभियान किया था महमूद गजनी ने गजनी की बात करेंगे भी आपसे हम है ना और नोट में लिख लें आप सिंध में ब्राह्मण वंश का शासन आठवीं सदी में कर लीजिएगा आप सातवीं आठवीं सदी ये थोड़ा हटके डेट है इसके इसलिए लिखा दिया ठीक है सातवीं आठवीं सदी है ना अब आप एक शीर्षक दे दें लिखिए आप अरब आक्रमण या विदेशी आक्रमण शीर्षक दे दें आप शीर्षक दे दीजिए विदेशी आक्रमण उसमें पहला लिखिए आप अरब आक्रमण लिखें 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया ये समझिएगा आप एक तरह से जैसे
कोई इस्लामिक सेनापति का, इस्लाम मानने वाले सेनापति का पहला आक्रमण है भारत पे, सिंध वाले इलाके पे आक्रमण किया था, आक्रमण किया, कौमा देकर लिखें, सर्वप्रथम सिंध में जजिया नामक कर लगाया, जजिया, मैं बता रहा हूं इसके बारे में, अकबर की एक बेगम थी रजिया, उनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, ठीक है, और इसी में अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। असल में इस्लाम में चार प्रकार के करों का उल्लेख है, इस्लाम में चार करों को इस्लामिक कानून के अनुकूल माना गया है, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। आगे हम लोग और बात करेंगे जब मध्यकाल में भी आएंगे। तो जजिया क्या होता है, जहां इस्लामिक शासक होते हैं ना, वो गैर इस्लामिक प्रजा से सुरक्षा के बदले लेते हैं, हम आपको सुरक्षा देंगे उसके बदले में कर होता है, गैर इस्लामिक प्रजा से जजिया नामक कर होता है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में कभी कभी एग्जाम में सबसे पहले जजिया कर कहां लगा, तो भाई सिंध में लगा था, कौमा देकर लिखो यहां पे, लिखे सिंध में। आगे भी इस्लामिक राजवंशों का शासन, इसकी सत्ता तो कमजोर पड़ जाएगी मोहम्मद बिन कासिम की, इसके बाद इस्लाम धर्म मानने वालों के नया राजवंश जैसे करामीता वंश आ जाएगा, ऐसे करके, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यानी सिंध पे एक बार कब्जा हुआ तो सबसे पहले समझो भारतीय जो पूरा इलाका है भारत पाकिस्तान, सबसे पहले सिंध में इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ, ठीक है, ऐसे देखोगे पूरे भारत के संदर्भ में। तो सातवीं सदी में पैगंबर साहब के साथ आप देखोगे जो पश्चिम एशिया का हमारा सऊदी अरब वाला इलाका है, वहां पे इस्लाम का सबसे पहले उदय हुआ। पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाते हैं। पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया में उस समय महायान बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था, मध्य एशिया में तो खास करके इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, और धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार हुआ। तो इस्लाम धर्म मानने वाले व्यापारी जो थे वो सिंध के सीमावर्ती इलाकों में या केरल के सीमावर्ती इलाकों में सातवीं सदी में आया जाया करते थे, व्यापारी। सिंध वाले इलाके में अक्सर लूटपाट की घटना भी होती थी, तो व्यापारी जाकर के अपने शासक को कंप्लेन करते थे कि भाई लूटपाट होता है। ऐसा कहा जाता है लूटपाट रोकने के मकसद से ही मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, ठीक है। इसे अरब आक्रमण कहते हैं, क्योंकि अरब देश से ही मतलब पहली बार इस्लाम का उदय हुआ सऊदी अरब से, और वहीं से शासक के आदेश पे मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था, उसने आक्रमण किया था। सिंध के, गुजरात के और केरल के सीमावर्ती इलाकों में सातवीं सदी, आठवीं सदी में इस्लाम धर्म मानने वाले व्यापारियों के आवागमन की हमें जानकारी मिलने लगती है, ठीक है। और यहां पर तो शासन भी स्थापित हुई आठवीं सदी के प्रारंभ में, और सऊदी अरब से ही जो प्रसार शुरू हुआ, तो आप देखोगे इराक, ईरान, ये सब जितना इलाका है आपका मध्य एशिया है ना, फिलिस्तीन, सीरिया, धीरे धीरे अगले मतलब आप लगा लो कि 650 से लेके 850-900 वर्ष तक आते आते, मतलब 900 वर्ष तक आते आते इन सब इलाकों पे नियंत्रण इस्लामिक शासक का हो गया था, ठीक है। अफगानिस्तान पे भी अच्छा खासा प्रभाव था। अफगानिस्तान में उससे पहले या तो महायान बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म की संस्कृति ठीक ठाक प्रचलित रही, महायान तो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ऐसे राइज हुआ है। तो इसके बाद भी अटेम्प्ट होंगे, बट भारतीय शासकों ने जो भी आक्रमणकारी होते थे उन्हें पराजित कर देते थे, रोक देते थे।
बट मोहम्मद गोरी के बाद एकदम से गेम चेंज हो गया तराइन के युद्ध के बाद। तो ऐसे तो देखो अरब आक्रमण है, इसके कल्चरल इम्पैक्ट की बात होती है, मध्य एशिया से संपर्क स्थापित हुआ, सीमावर्ती इलाकों में व्यापार बढ़ा, कुछ कुछ नए नए शहर भी उभर कर आए, मतलब है छोटी मोटी बातें यहाँ पे भी। ऑप्शन में पूरा एक टॉपिक ही हो जाता है अरब आक्रमण, ठीक है, जब पढ़ाते हैं तो उसमें सामाजिक प्रभाव क्या रहा, राजनीतिक प्रभाव क्या रहा, ऐसे करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। विदेशी आक्रमण में इसके बाद अफगानिस्तान से कुछ और आक्रमण हुए हैं दसवीं सदी में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो अगला महत्वपूर्ण आक्रमण है वह है महमूद गजनी का आक्रमण। लिखें आप नंबर दो पे, महमूद गजनी का आक्रमण। ब्रैकेट में लिख लो आप 1000 से 1027 के मध्य, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य लिखो आप कि भारत पर सत्रह आक्रमण का उल्लेख नेक्स्ट लिखो, प्रथम आक्रमण शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, प्रथम आक्रमण शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट लिखो, शाही शासक जयपाल के विरुद्ध लिखो, गजनी के आक्रमण का उद्देश्य गजनी के आक्रमण का उद्देश्य भारत से धन की प्राप्ति, धन भारत से धन एवं हाथियों की प्राप्ति जिसका उपयोग मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के लिए करना चाहता था, हमें अलग से फैक्चुअली नहीं पढ़ना है कि 17 आक्रमण कब किसके किसके विरुद्ध हुए, एक सोमनाथ का आक्रमण का हमने जिक्र कर ही दिया था आपको, है ना, उसमें नहीं जाना है। मकसद क्या था इसका, माना गया है लूटपाट करना, लुटेरा ही था वो, ठीक है। गजनी एक जगह है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अफगानिस्तान की राजनीति में, ये भी आश्चर्य की बात है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो वहां से वो इतिहास की धारा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला भी नहीं था शासक। एक बहुत पहले आमिर खान की पिक्चर आई थी गजनी, ठीक है, उसका ना मेमोरी लॉस हो जाया करता था, भूल जाता था वो, ठीक है, और एक अलग तरह का हेयर स्टाइल इसने बनाया था, है ना, ठीक है, तो कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला भी शासक नहीं था। लूटपाट के मकसद से आता था, लूटता था, अक्सर ये बौद्ध मठों और मंदिरों को निशाना, महायान बौद्ध मठों और मंदिरों को निशाना, कोई दो राय नहीं, धन संपदा का केंद्र तो रहा ही है मंदिर मठ वगैरह, लेकिन उसका ये मकसद तो है नहीं कि कोई लूटपाट करे, ठीक है, समाज के लोग श्रद्धा से चढ़ावा देते हैं, दान देते हैं वहां पे, है ना, बट ठीक है। आगे लिखो आप, इसके साथ अल बरूनी नामक विद्वान की भारत यात्रा,
विद्वान की भारत यात्रा, कॉमा लेकर लिख लो, इसकी रचना का नाम है तहकीकाते हिंद। तहकीकाते हिंद या किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है। जब हम पूर्व मध्य काल पढ़ रहे हैं हम, तो उत्तर भारत में खास करके उत्तर उत्तर पश्चिम के समाज को जानने, संस्कृति को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इसे माना गया है। आपको याद होगा हमने कहा था जैसे मेगास्थनीज फाहयान वेनसांग अलबरूनी, जैसे अभी वेनसांग के बारे में बताया मैंने आपको, ऐसे ही चार छह बातें इसके बारे में भी हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। बस आपको आइडिया रहना चाहिए इंपॉर्टेंट कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, आपने सुझाव दिया था आपको, है ना। कभी ना कभी कर ही लेंगे आप, जब एग्जाम एकदम सर पे होगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप उस समय, ठीक है। तरीका हमने बता ही दिया कैसे करना है, मतलब बस पढ़ने के दौरान जो रेफरेंस है उसको नोट कर लीजिएगा। कुछ तो मैं बता दूंगा अभी बातचीत के क्रम में, है ना। और एक नोट करके यहां पॉइंट लिख लें आप, महमूद गजनी के पश्चात पंजाब में लंबे समय तक उसके उत्तराधिकारियों का शासन समझने के लिए आपके लिए, कि जैसे सिंध का इलाका पहले इस्लाम धर्म के प्रभाव में आया, फिर समझ लो पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका महमूद गजनी के बाद पंजाब पे उसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान वाले इलाके पे। अब कब्जा करने से क्या हुआ कि अफगानिस्तान या मध्य एशिया से कोई यदि आना चाहे, अच्छे संबंध है, तो जो खैबर दर्रा है इन सब दर्रों पर अब कोई नियंत्रण भारत के शासकों का नहीं रहा। एक देखने का नजरिया यह भी हो सकता है कि अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा रहा है, तो अफगानिस्तान के किसी शासक ने नियंत्रण किया तो भारत का ही नियंत्रण है। जैसे आज हम अपना दायरा फैला के चले, जैसे हम पाकिस्तान को अपना मानते हैं, अफगानिस्तान को भी हम अपना मानते हैं। मैं साम्राज्यवादी नजरिए से नहीं कह रहा हूं, मतलब इतिहास में यह सब हिस्सा तो कहीं ना कहीं हमारे पास रहा ही है ना। एक नए नजरिए से देखेंगे आप, जो इस्लाम का प्रसार हो रहा था तो अफगानिस्तान पे इस्लाम का दबदबा कायम हो चुका था इस समय तक, उस लिहाज से एक बड़ा बदलाव था ये, ठीक है। तो धीरे धीरे ना पढ़ने के साथ आपको ये समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे इस्लाम राजनीतिक प्रभाव के साथ ही सामाजिक प्रभाव का विस्तार भी। तो 11वीं 12वीं सदी में धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ता चला गया पाकिस्तान वाले इलाके पे, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, अफगानिस्तान का एक शासक है गौरी, गौर का रहने वाला था, जगह का ही नाम है गौर, मतलब देखने में गोरा था ऐसा नहीं, ठीक है। उसने गजनी पे भी कब्जा कर लिया और फिर वो साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से पहले वो सिंध के रास्ते वो गुजरात पे कब्जा करना चाहेगा, ठीक है। बट वही जो बताया था आपको, सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने, शासक का नाम ही था भीम, उसने गोरी की धुलाई कर दी थी माउंट आबू की लड़ाई में, मतलब लड़ाई का नाम है, आबू की तलहटियों में लड़ाई हुई थी, है ना, ठीक है। फिर गोरी ने तरीका अपना बदला, फिर उसने पंजाब पे कब्जा किया, तो पंजाब पे गजनी के राजवंशों का उत्तराधिकारियों के साथ उसको हराया, फिर पंजाब को केंद्र बनाकर उसने तराइन के युद्ध में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को, फिर आगे चंदावर के युद्ध में यूपी पे कब्जा, फिर खिलजी ने बिहार और बंगाल पे कब्जा किया, उसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, नालंदा महाविहार को जला दिया, ऐसे करके, है ना, समझ में आ रही बात। तो ऐसे करते करते फिर इस्लामिक शासन उत्तर भारत में
फोकस ही हमारा एक राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग पे है। हम लोग लेते हैं अभी एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हम लोग गौरी और फिर पाल वंश, सेन वंश, इन सब की भी बात थोड़ा करेंगे हम, और फिर एक राजनीतिक खाका की बात करेंगे। तो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं उत्तर भारत के राजनीतिक घटनाक्रम पे, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में, और गजनी के आक्रमण पे बात हुई है। अलबरूनी उसमें उसकी एंट्री हो गई है, वो इम्पोर्टेंट भी है सोर्स, हमें ध्यान रखना उसके बारे में भी। जो प्रकाशन विभाग है अपने यहाँ, ठीक है, और नेशनल बुक ट्रस्ट जो सरकारी पब्लिकेशन है, इन पब्लिकेशन से भी अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत, वेन सांग फायान का यात्रा वृत्तांत किताब के रूप में पब्लिश हुई है। पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मोटी मोटी किताबें हैं वो, ठीक है, पूरा अनुवाद है उसका इंग्लिश में, हिंदी में, बट बता रहा हूं सरकार भी मतलब इन यात्रियों के जो विवरण है उसको खूब प्रमोट करती है। इससे ना अपने जो इन्होंने जो कि भारतीय कल्चर की जहां प्रशंसा करनी, प्रशंसा जहां आलोचना, तो एक सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता को उभारा जाता है। चीन के साथ संबंध अच्छे ही नहीं रहते वरना हमेशा फायन वेनसांग को हम याद करते हैं, संबंध ही अच्छे नहीं रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ करता रहता है वो भी, और हम ये नहीं कह सकते कि हम भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बट शांत तो हम भी नहीं रहते होंगे, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए सब कोई कुछ ना कुछ करता है। आइए लिखें मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में, मोहम्मद गौरी का अभियान। मोहम्मद गौरी का अभियान, कर ले आप इसके बारे में, 1175 से 1206 ब्रैकेट में, 1206 मोहम्मद गौरी को ना, जैसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन साम, मतलब कुछ कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कभी पढ़ने के दौरान किताब अगर जब आप पढ़ेंगे तो सतीश चंद्र की किताब मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको पढ़ने के लिए, है ना, तो वहां पे ये सब ध्यान रखना है कि हाँ दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, ध्यान आ जाएगा आपको। इसका मकसद ही था साम्राज्य विस्तार, लिख लो आप इसके बारे में, अफगानिस्तान में गौर का शासक, गौर का शासक, और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से इसने भारत पर कई अभियान किए। अब यह अफगानिस्तान से आक्रमण कर रहा है, आपको याद होगा हमने बताया था जैसे सोलंकी शासकों ने पराजित किया गौरी को, शुरू में वो सिंध गुजरात के रास्ते वो भारत में अपनी पकड़ बनाना चाहता था, वो रूट उसका फेल कर गया, फिर वो पंजाब के रास्ते वो भारत पे पकड़, उसी में तराइन के पहला युद्ध में एक मेजर सफलता मिलेगी, उससे पहले पंजाब पे कब्जा कर लेगा और गजनी के उत्तराधिकारियों को हटा देगा वहां से, फिर तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारेगा, फिर दोबारा अटेम्प्ट लेगा वो, सेकेंड अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लेगा वो, ठीक है, हाँ मतलब दूसरे अटेम्प्ट में वो निकल गया वो एग्जाम, है ना, और फिर ऐसा एग्जाम निकाला वो, ठीक है ना, भारत में चिपक गया, फिर उसके बाद गया नहीं यहां से वो, ठीक है। आगे लिखे आप कि साम्राज्य विस्तार में के क्रम में तराइन, चंदावर इत्यादि युद्ध,
ठीक है, ये सब हम आपसे बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट लिखें आप कि 1206 में गौरी की मृत्यु के पश्चात इसका साम्राज्य 3 भागों में विभाजित इसका साम्राज्य 3 भागों में विभाजित ठीक है। लेकिन आप अफगानिस्तान की जिम्मेवारी, अफगानिस्तान की जिम्मेवारी यल्लौज 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 को सेनापति था उसका, कौमा देखे देखे सिंध एवं मुल्तान की जिम्मेवारी सिंध एवं मुल्तान की जिम्मेवारी, ये सिंध वाला इलाका हो गया और मुल्तान यहीं पड़ेगा पंजाब में ही, सिंध एवं मुल्तान की जिम्मेवारी कुबाचा को ठीक है, तथा पंजाब से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र की जिम्मेवारी तथा पंजाब से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र की जिम्मेवारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत नामक राज्य की स्थापना की। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत नामक राज्य की स्थापना की। तो ये जो इलाका होगा गौरी धीरे धीरे, जैसे गौरी का एक सेनापति है बख्तियार खिलजी, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, उसने बिहार बंगाल को जीत लिया था। तो यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा इलाका जो है पंजाब से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ इलाका, बिहार और बंगाल का ठीक ठाक इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, ये सब गौरी के समय ही जीत लिया गया। हालांकि आगे गौरी के उत्तराधिकारियों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा भारत में, इतना आसान सफर नहीं होगा दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे तो, संघर्ष काफी होंगे, युद्ध होंगे, बट यहीं पे समझ लो आप पूरे उत्तर भारत में एक तरह से दिल्ली सल्तनत जिसे हम कहते हैं, जो मध्यकाल में हम पढ़ेंगे, हम ध्यान आ रहा है सभी, समझ में आ रही है बात ना? ये पूरा एक उत्तर भारत का राजनीतिक घटनाक्रम है संक्षेप में। सवाल आएगा ऐसा कि भाई चलो गजनी तो लूटपाट के उद्देश्य से आया, कुछ इलाकों पे कब्जा किया चला गया, सिंध वाले में भी सफलता उसे बहुत ज्यादा नहीं मिली, क्षेत्र में सिमट कर रह गया, बट गौरी आगे तक बढ़ पाया, भारतीय शासक क्यों नहीं रोक पाए? तो वही चर्चा होती है, राजनीतिक एकता की कमी। ठीक है, सबसे पहले उभर कर आता है भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसको लेकर, ठीक है, एक समस्याएं जो थी उससे भी कहीं ना कहीं एकता प्रभावित होती थी, और जो युद्ध को लेकर भारतीय शासकों की योजना थी उससे भी काफी नुकसान हुआ। उस समय उत्तर भारत में जितने भी शासक थे सबको राजपूत शासक कहा गया, राजपूत काल ही कहा जाता है इसे। एक परंपरा सी थी कि शत्रु यदि हार रहा तो उसके पीठ पर वार, और ये शत्रु ऐसा था कि पीठ पे ही वार करता था। शत्रु बहुत चालाक था, उसका एक ही रूल था, युद्ध में हमें जीतना है। ऐसा नहीं कि लड़ने में कमजोर था, साहसी साहसी भी था, बट उसे लग रहा है कि हार रहे हैं तो जान बचा करके भाई
जितने संसाधन बचा सकते हो बचा लो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिसके कारण सफलता मिली है और कह सकते हैं कि नए युग की ही शुरुआत हो गई, मतलब एक नए एरा की शुरुआत हो गई भारत में। इसी में हम लोग जो अभी परिचय ले रहे थे उसमें पूर्वी भारत में पाल वंश और सेन वंश के बारे में भी कुछ जानकारी लेनी है। लेकिन आप जरा लिखे पूर्वी भारत, शीर्षक दे दीजिए। लिखे पाल वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश, ठीक है। इसका भी कार्यकाल 750 से 1160 ईस्वी तक है, 750 से बहुत लंबे समय तक शासन है पालों का, ठीक है। जो मेन एरिया था इनका लिख लें आप कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के कुछ भूभाग पर, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा के कुछ भूभाग पर, ठीक है। और देखो 410 वर्षों का शासन है, छोटी मोटी अवधि नहीं है, सोचो कितने शासक रहे होंगे इसमें, ठीक है। लिखो आप यहां पे, जब बंगाल बोले तो बांग्लादेश पे भी इनका शासन था, है ना। लिखो यहां पे गोपाल संस्थापक है, गोपाल संस्थापक, कौमा देके लिखना आप। जनता ने, जनता के सहयोग से शासक बना, ये गोपाल हो गया आपका पहला ही था, ये 750 से 770 था। एक शासक का और नाम लिख लें, वो है धर्मपाल, 70 से 810 ईस्वी। इसके बारे में लिखें आप कि इसके शासन काल में विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, कौमा तथा सोमपुर महाविहार, सोम सोमपुरी कर लीजिएगा, सोमपुरी महाविहार ये बांग्लादेश में है, की स्थापना। सोमपुरी महाविहार के जो विक्रमशिला महाविहार था, शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा नालंदा महाविहार के बाद, शिक्षा में बताऊंगा मैं आपको, जिक्र करूंगा। और सोमपुरी भी बहुत बड़ा केंद्र बनेगा बांग्लादेश में, यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में यह भी शामिल है। बांग्लादेश का जो हेरिटेज लिस्ट आता है उसमें इसका भी नाम आता है सोमपुरी का, है ना। नोट करके लिखें आप, देखिए पाल वंश के पतन के पश्चात सेन वंश 1160 से 1206, सेन वंश की स्थापना। ठीक है, कौमा देके लिखे हैं। एक महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन, एक महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन की भी अवधि ब्रैकेट में लिख लें आप,
1179 से 1202 फिर कौमा देकर लिखें, इसी काल में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी का बिहार बंगाल पर आक्रमण, और खिलजी ने नालंदा महाविहार को जलाया। ठीक है, खिलजी ने नालंदा महाविहार को जलाया। ठीक है, तो ये है आपकी बेसिक जानकारी उत्तर भारत से संबंधित। ठीक है, पालों में बहुत लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है शासकों की, राजनीतिक घटनाक्रम में जाना नहीं है। पालों का जो काल है बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। पूर्व मध्य काल में यही राजवंश था जिसने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म को संरक्षण, एक यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा था। ये टॉपिक जब मैं पूरा करा दूंगा तो कुछ कल्चर के प्रश्नों को मैं डिस्कस करा दूंगा आपको। एक स्तूप पे पूछा गया है, आप मैं कोई दिखा भी रहा था मुझे ना, वो सब डिस्कस करा दूंगा मैं। आप भी ध्यान रख लीजिएगा कि सर एक बार डिस्कस जरा, 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं एंशिएंट कल्चर पे बता दूंगा तो ठीक रहेगा। एक बार आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और हमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत, उसमें भी अप्लाइड क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। कला तो मैं भी बताऊंगा, ये तो मैं राजनीतिक परिचय दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत साहित्यिक परिचय दे रहा हूँ मैं, है ना। महिलाओं की दशा में कुछ खास सुधार गिरावट ही आएंगी। ठीक है, कला तो बताऊंगा ये भी आपको, मंदिर निर्माण शैली। एक और ध्यान रखिएगा, एक जयदेव करके विद्वान है, उनकी रचना है गीत गोविंद, बहुत फेमस है वो। वो भी लक्ष्मण सेन के ही समकालीन थे बंगाल में, लिख लीजिए आप। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के समकालीन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग दक्षिण भारत का परिचय लेते हैं, कुछ राजवंशों का उसका भी परिचय हो जाए, ताकि पूरा एक 1200 तक की कहानी क्लियर हो जाए। यह आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो पूरा एक इलाका है मतलब महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का भी कुछ कुछ इलाका इसमें आ जाता है, मालवा वाला क्षेत्र कई बार, है ना। और यहां एक अलग राजवंश दिखेंगे आपको और यहां अलग राजवंशों का क्रम दिखेगा आपको। ठीक है, शीर्षक दे दीजिए आप, दक्षिण भारत और उसमें ए करके लिख लें आपकी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, यहां पे पहला एक राजवंश का नाम लिखें आप, वतापी के चालुक्य। वतापी के चालुक्य,
ठीक है, 543 ईस्वी से 753 ईस्वी, ठीक है, ये इस वाले इलाके पे शासन कर रहे हैं, ये वातापी के चालुक्य हैं। और देख लोगे तो आप ये हर्षवर्धन के समकालीन भी हो जाएंगे, जब हमने बताया था आपको, ठीक है। यहां लिख लो आप जरा एक लोकप्रिय शासक के बारे में, एक शक्तिशाली शासक, पुलकेशिन द्वितीय, छह सौ दस से 642, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इनका नाम जो पुलकेशिन द्वितीय का है, एक तो हर्षवर्धन को हराया था इन्होंने, दूसरा अजंता चित्रकला में जब मैंने बताया था आपको कि पुलकेशिन द्वितीय को राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया चित्र में, तो सबसे शक्तिशाली शासक माना गया इन्हें, है ना। और संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, ऐसे करके अलग अलग नाम भी है। एक आपको हैंडआउट है जो हर बैच में देता हूं मैं, तो वो हैंडआउट मिल जाएगा आपको, उसमें संस्थापक आखिरी सब नाम है उसमें दिया हुआ। क्लास का मतलब है कि जो मैं लिखा रहा हूं वो ध्यान रह जाए तो ठीक है आपको। मैंने क्या क्या ध्यान रह जाए तो ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। अब जब ये कमजोर पड़ जाएंगे, कोई राजवंश कमजोर क्यों पड़ता, आयोग उत्तराधिकारी, ठीक है, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा, आर्थिक आधार कमजोर, सैनिक आधार कमजोर, है ना। तो इसके बाद जो यहां शासन है इस क्षेत्र में, लिखे आप मान्यखेत के राष्ट्रकूट, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, संस्थापक का नाम लिख लें आप यहां पे, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। और कुछ प्रमुख शासक का भी नाम लिख लें आप, लिखें आप कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम कौमा ध्रुव, ध्रुव, ठीक है, शासक का नाम है ध्रुव कौमा अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष था, इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, अलग से भी इसकी चर्चा मिलती है। ये शक्तिशाली शासकों में इनकी गिनती होती है। जैसे हमने कहा था ना, कन्नौज को लेकर के पाल यानी पूर्वी भारत, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों में संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में, कन्नौज को लेकर के। तो जब राष्ट्रकूट कमजोर पड़ जाएंगे, राष्ट्रकूटों के समय ही एलोरा और एलिफेंटा कला का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कला में हम बात करेंगे एलोरा और एलिफेंटा, ठीक है। राजकूट जब कमजोर पड़ जाएंगे तो यहां पे शासन होगा कल्याणी के परवर्ती चालुक्य, कल्याणी के परवर्ती चालुक्य, इसका एक प्रमुख शासक है विक्रमादित्य सिक्स, एक हजार छिहत्तर से 1190 ईस्वी, 1190 नहीं,
1126 शासन जो रहा है 1076 से 1126। इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लें आप विक्रमादित्य के बारे में। एक तो लिखें आप 1076 में चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत, और दो पॉइंट लिख लें आप कि विलहन ने, विलहन एक विद्वान है, विलहन ने विक्रमादेव चरित की रचना की, विक्रमादेव चरित की रचना की, और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की। ये दोनों इनके समकालीन विद्वान हैं, यहीं के रहने वाले हैं ना, विलहन और विज्ञानेश्वर। कल्याणी के जब चालुक्य कमजोर पड़ जाएंगे तो 1190 के आसपास, तो इसका राज्य तीन भागों में बटेगा। महाराष्ट्र में देवगिरी के यादव वंश, आंध्र प्रदेश में वारंगल के काकतीय वंश, और उत्तरी कर्नाटक में द्वार समुद्र के होयसल वंश, ठीक है, और इन तीनों पे फिर तुर्कों का कब्जा हो जाएगा मध्यकाल में, ठीक है, तुर्कों का कब्जा हो जाएगा। और जब तुर्क कमजोर पड़ेंगे वहां पे तो बहमनी राज्य आएगा, बहमनी कमजोर पड़ेंगे तो अहमदनगर आएगा, फिर मुगलों का कब्जा, फिर मराठों का राज्य, फिर अंग्रेजों का राज्य इस वाले इलाके में, पूरे इतिहास के क्रम की बात करें तो, ठीक है। तो ये क्रम की एक समझ जरूरी होती है, चाहे आपका वैकल्पिक विषय हो या सामान्य अध्ययन हो। शासक का नाम याद रहेगा, भूल जाएंगे, बट वंशावली किसमें कौन शासन किया उससे काफी हेल्प मिलता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है। लिख लिया आपने, इसके बाद लिख लें आप नोट करके, देखिए इनका राज्य तीन भागों में विभाजित। तीन भागों में विभाजित लिखे, महाराष्ट्र में देवगिरी के यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश, वारंगल, वारंगल वारंगल में काकतीय वंश, काकतीय काकतीय वंश लिख लो, तथा द्वार समुद्र में, द्वार समुद्र उत्तरी कर्नाटक में है, द्वार समुद्र में होयसल वंश, ठीक है, द्वार समुद्र में होयसल वंश, ये सब 1190 के बाद आएंगे, मध्यकाल में इनका जिक्र मिलेगा आपको। होयसल मैं लिख दे रहा हूं, द्वार समुद्र को ही हालेविड भी कहा गया है, क्योंकि ना जब हम द्रविड शैली की बात करेंगे ना तो इन सब राजवंशों का नाम भी आ जाता है। अभी देखोगे मंदिर वगैरह पढ़ोगे आप, अभी जैसे एक रामप्पा या रायप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, धौलावीरा और रायप्पा को शामिल किया गया पीछे कुछ समय पहले, भी मैगजीन में भी है, तो वारंगल के काकतियों के समय ही बना था वो मंदिर,
इसलिए थोड़ा वो महत्व रख लेता है, वो जानकारी आ जाती है सामने। ठीक है, तो ये हो गया किस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में शासन। यहां पे दो ही राजवंशों का शासन रहा है। लिखिए आप जरा, शीर्षक दे दीजिए बी करके, दक्षिण भारत में बी, कृष्णा नदी के दक्षिण। पहला लिखें आप पल्लव वंश, पांच सौ पचास से 903 ईस्वी। ठीक है, 550 से 903 ईस्वी। ठीक है, और इनके शासक का नाम वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम कला पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी चार पांच शासकों का नाम आना है। अभी द्रविड़ मंदिर स्थापित से लेकर शुरुआत इन्होंने की, तो वहीं पे चार पांच नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और पल्लवों का नियंत्रण रहा यहां पे। पल्लवों के बाद यहां आएगा चोल वंश। संगम काल के बाद ये दूसरा चोल वंश है ना। आठ सौ पचास से 1279 ईस्वी। देख रहा हूं 400 साल से ज्यादा इनका भी शासन है ना। तो भारतीय इतिहास में कई ऐसे राजवंश हैं जो बहुत लंबे समय तक शासन कर रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु, लोअर आंध्रा, कुछ कर्नाटक का इलाका, कुछ केरल का इलाका, इन सब पे शासन। शक्तिशाली शासक जो होगा सब कुछ जीत लेगा। इधर जिसका शासन है थोड़ा मजबूत रहा तो श्रीलंका पे भी अभियान करेगा वो। जैसे चोल ज्यादा मजबूत थे तो फिर इनका अभियान मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बंगाल, श्रीलंका, मालदीव को तो अपनी भुजा ही मान, भाई हमारी ही शाखा है, तो मतलब इधर श्रीलंका इधर मालदीव। जैसे राजराज चोल, राजेंद्र चोल, ठीक है, तो बहुत शक्तिशाली शासक हैं। जैसे हमने कहा ना कि कुछ कुछ राजवंशों के बारे में अलग से ही बताया भी जाना चाहिए, मतलब। तो फिर ऐसे क्या होता है, पूरे भारत का इतिहास हम समेटने में कामयाब रहेंगे, हम अपने पाठ्य पुस्तकों में हम जिक्र मिलता है, बट वो अभी भी बहुत बैलेंस नहीं रहता है सिलेबस में, जो स्कूल का सिलेबस होता है। हमारे यहाँ इतनी विविधता है कि हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ एक परिचय, मतलब राजनीतिक परिचय तो बहुत जरूरी है। फिर उससे क्या होता है, स्कूल के समय जब एक छवि बनती है तो लगता है कि हाँ अपनापन है, वरना जब हम इतिहास पढ़ते तो लगता है उत्तर भारत का इतिहास अपना, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत से कोई मतलब हमें रहता नहीं। बट यूपीएससी को पूरा मतलब रहता है। खोज खोज के मैं आपको दिखा दूंगा, चाहे पीटी के प्रश्नों या मेंस के प्रश्न एनालाइज करके, कोशिश करती है कि अधिक से अधिक हिस्सों को वो कवर, उसके गाइडलाइंस में ये होता है। एग्जामिनर को जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं क्वेश्चन मेकर को, ठीक है, मैंने कई बार देखा है कि वो पूरे इतिहास को समेटने की कोशिश वो लोग करते हैं। चोलों के बारे में कुछ बात करेंगे हम, थोड़ा दो चार इंफॉर्मेशन यहां में लिखना होगा, है ना। लिखें आप जरा, संस्थापक का नाम लिख लें यहां, विजयालय, विजयालय। ठीक है, दो शक्तिशाली शासक का नाम लिखें आप। शक्तिशाली शासक में पहला नाम लिखें आप राजराज प्रथम, नौ सौ पिचासी ईस्वी से 1015 ईस्वी। राजराज प्रथम, इसके बारे में लिख लें दो पॉइंट। पहला लिखें आप कि उत्तरी श्रीलंका पर नियंत्रण, एक और लिख लें आप तंजौर में, तंजौर कैपिटल रहा हुआ इनका, तंजौर में राज राजेश्वर या बृहदरेश्वर मंदिर का निर्माण।
राज राजेश्वर या बृहदरेश्वर मंदिर का निर्माण? ठीक है, तंजौर में राज राजेश्वर या बृहदरेश्वर मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है ये, जो मंदिर का जो आधार है गर्भगृह से लेके ऊपर करीब 200 फीट उसकी लंबाई है, ठीक है, सैकड़ों मीटर में उसका विस्तार है, मतलब मंदिर का है ना, बहुत विशाल का है, मतलब मंदिर है, और सोचो 1000 साल से ज्यादा हो गया मंदिर और यथावत है वो, ठीक है, पत्थरों से बना हुआ मंदिर है वो, तो उसके लिए जाना जाता है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में है वो। राजराज के बाद लिखे आप, एक राजेंद्र प्रथम शासक हुआ, एक हजार पंद्रह से 1044, ठीक है, इसके बारे में लिखें, संपूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण 1015 से 1044, 44, संपूर्ण श्रीलंका पर नियंत्रण। नेक्स्ट लिखें, बंगाल के पाल शासक को पराजित किया या बंगाल के शासक को पराजित किया? एक और लिखे आप, दक्षिण पूर्व एशिया में कई राज्यों के विरुद्ध अभियान, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, मतलब वहां है जावा, सुमात्रा, ऐसे करके श्री विजय राज्य था, है ना, वो अलग से मैं थोड़ा कल्चर में आ जाएगा, वो कब्जा नहीं किया, पराजित किया, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के बारे में कहा जाता है कि चोल शासक उसे अपना झील मानते थे, चोलों के बारे में कहा था बंगाल की खाड़ी को, और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तक भी इनका प्रभाव, उस समय वियतनाम के एक अच्छे खासे हिस्से को चंपा कहते थे, कंबोडिया और वियतनाम, अभी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार बताऊंगा, लंबे समय तक वहां पे शैव वैष्णव शासक हैं, संस्कृत वहां की राजभाषा है, मतलब है ना, जब अतीत की इन सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे, समझेंगे आप, तो अच्छा लगेगा कि हाँ, इन सब जगहों पर भी हमारी संस्कृति का प्रसार प्रभाव रहा है। जहां भी प्रभाव रहा है, राजनीतिक जरिए से प्रभाव नहीं था, वो राजनीति तो बाद में शामिल हो रही है, कोई अभियान कर रहा है, सांस्कृतिक संपर्क का ही प्रभाव था वो, भारतीय संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव, फिर स्थानीय संस्कृति का भी प्रभाव। इंडोनेशिया में आज भी रामायण बेस्ड नाटक खूब पॉपुलर है, ठीक है, इंडोनेशिया में आज भी रामायण बेस्ड नाटक, विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर जो है कंबोडिया में है, सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप आज भी जो है जावा में है, सबसे विशाल का जो बुद्ध की मूर्ति थी जो लगभग 20 साल पहले तालिबानियों ने तोड़ दी थी बामियान में, तो श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी वियतनाम वगैरह में बहुत से वैसे आर्किटेक्चर जो बुद्ध वाले आर्किटेक्चर है, मंदिर, ठीक है, ये सब चीजें आपको दिखेंगी, मतलब वहां पे। अब यहां पे लिखें आप जरा नोट करके, कि चोल प्रशासन स्थानीय शासन को लेकर विशेष तौर पर चर्चित रहा है,
देखिए जिला स्तर पर तथा नगरों में ब्रैकेट में कर लीजिएगा नगरम तथा नगरों में स्थानीय संस्थाओं के द्वारा शासन शासन जैसे आप जब किताब पढ़ोगे तो जिला में नाडू का उल्लेख मिलेगा और नतार शासन करता था, नगर नगरम शासन करते थे, ऐसे ना। सेंटर उसमें इंटरफेयर नहीं करता था, वहां की पूरी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी उन संस्थाओं की होती थी, है ना। आगे लिखें आप, ग्रामीण स्तर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहा हूं, है ना। ग्रामीण स्तर पर लिखे और सामान्य गांव, एवं सभा ब्राह्मणों का गांव, जो ब्राह्मणों का गांव होता था इसे ब्रह्मदेह अग्रहार भी कहते थे। ब्राह्मणों के गांव को ब्रह्मदेह अग्रहार भी कहते थे। ठीक है। उर एवं सभा में भी देखें आप, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा शासन सभा में भी स्थानीय संस्थाओं के द्वारा शासन, ठीक है, कौमा देकर लिखें आप, स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए योग्यता का प्रावधान निश्चित कार्यकाल का उल्लेख तथा विभिन्न समितियों के माध्यम से शासन की जानकारी मिलती है। विभिन्न समितियों के माध्यम से शासन की जानकारी मिलती है। समिति को वरियम कहते थे, है ना। होता क्या था, मतलब तमिल नेम है वरियम, है ना। जैसे एक तय हो गया कि भाई 30 लोगों की टीम जो है शासन करेगी, चाहे वह ब्राह्मणों का गांव हो या सामान्य गांव में हर तरह की आबादी रहती थी। सदस्य कौन होंगे, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितने जमीन के मालिक हैं, उन पर करप्शन का कोई आरोप तो नहीं है, और पिछली बार मेंबर तो नहीं रह चुके हैं वो, ये सब योग्यताएं होती थी। फिर उम्मीदवारों का नाम एक घड़े में रख दिया जाता था और किसी मतलब नाम लिख करके, और अबोध बालक को कहा जाता था उसमें से पर्चा निकालने के लिए। तो जिसका जिसका नाम निकला है पर्चे में, भाई वो मेंबर बन जाता था। वोटिंग सिस्टम तो नहीं था, बट ये सिस्टम था चुनाव का। योग्यता जो हमने बताया, ये सब योग्यताएं थी। जैसे वेदों का कितना ज्ञान है, ये सब योग्यता का पार्ट था। भूमि का मालिक है, करप्शन का आरोप नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, करप्शन का आरोप नहीं है, ये भी देखा जाता था, है ना, ठीक है। और फिर ऐसे चुनाव हो गया, चुनाव के बाद गांव में जितने भी काम थे, जैसे मान लो सिंचाई का काम,
खेती का काम, न्याय का काम या और भी कोई सांस्कृतिक गतिविधियां, कार्यक्रम ऐसे करके वहां समिति 30 मेंबर थे तो समिति 5 या 6 बना दी गई, यर्रावरियम, टुट्टावरियम, सम्मत्सवरियम ऐसे करके। नाम का तो कोई लिमिट नहीं है ना, वैसा होता तो मैं कहता चलो ये भी लिखो आप, कुछ कुछ बातें बता दी जैसे ऊर होता है, सभा होता है, और कॉन्सेप्ट आपको दे दिया हमने कि देखो ये सिस्टम होता है। एक समिति एक काम कर रही है, जो इसकी चर्चा होती है कि सेंटर को मतलब केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने से होता था, सेंटर को मतलब गांवों से रेवेन्यू कलेक्ट करने से, कोई बड़ा विवाद होगा तभी सेंटर हस्तक्षेप करेगी, वरना ये अपना शासन खुद करते थे। तो जब चोलों की चर्चा होती है तो स्थानीय शासन की विशेष रूप से चर्चा होती है, ठीक है, ये उसका एक कॉन्सेप्ट और 2-3 इंफॉर्मेशन हमने इसमें बताया आपको। एक किताब है सतीश चंद्र की, ठीक है, ये सब वैसे तो है देखो मार्क्सवादी लेखक ही है ना, बट हैं बड़े विद्वान। तो जैसा हमने बताया आपको कि मार्क्सवादी लेखन की भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीमाएं हैं, हर उनकी बात को हम नहीं मानते हैं, बेवजह के विवाद के मुद्दों में भी वो टांग डालने की आदत रहती है, वो विद्वान है तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, हम अपने नजरिए से कह रहे हैं, मतलब इनकी योग्यता पे तो सवाल उठाना मतलब किसी भी तरह से ठीक है ना, क्योंकि इनका मौलिक रिसर्च है, तो जब सवाल तो वही उठा इनके ऊपर जो भाई जो शोध कर सकता है। बट है, अब जैसे ये लोग लेखक किताब सब लिखते हैं ना चोलों के बारे में, तो गाइड में क्या होगा, सारे शासकों का नाम मिलेगा आपको जिसका कोई बहुत महत्व नहीं है, बट ये उन बिंदु को उठा लेंगे जो बिंदु सबसे ज्यादा महत्व। आर्य शर्मा क्यों हमने कहा था आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टॉपिक में उन बिंदु पे जरूर बात करेंगे जो ध्यान देने वाली बात होती है, कुछ तो एजेंडे वाली बात भी होती है, मार्क्सवादी वाली भी बात, धर्म पे प्रहार करते रहेंगे वो मतलब है ना, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों पे बात करते हो तो अच्छी बात है, कर है ना। तो सतीश चंद्र की किताब में आपको पूरा मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल सब मिलेगा आपको, फॉर्मूला आपका वही रहेगा जैसे पूर्व मध्यकाल भी पढ़ रहे हैं, अब राजवंशों का पूरा परिचय है आपके पास, साहित्य के बारे में, धर्म के बारे में, कला के बारे में, यदि 20-30 पेज में पूरा परिचय दे रहे हैं तो साहित्य, धर्म और कला, ये तीन उस 20 पेज में आपके लिए 4-5 पेज बहुत मायने, बाकी पढ़ते हुए निकल के आ गया। समझ में आ रही बात सभी को ना, बिल्कुल एंसेंट वाला ही सिस्टम जारी रहेगा, और कोई किताब आपको नहीं लेना है। जो एनसीईआरटी की किताब अभी चलती है, ठीक है, आजकल जो स्कूल में चलती है सब पुरानी एनसीईआरटी कहते हैं इन सबको, सतीश चंद्रा को, आर्य शर्मा को, बिपिन चंद्रा, ये सब ओल्ड एनसीईआरटी है, ये हमारे समय की एनसीईआरटी है, पहले लोग ना ज्यादा पढ़ते थे, किताब जैसे टफ बनाए जाते थे है ना, अब आपकी किताब वाकई बच्चों के मकसद से लिखी जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने आपको मॉडर्न इंडिया में कहा था कभी, या एंशिएंट हिस्ट्री में कहा था हमने आपको कि पूरा कमांड हो जाने के बाद, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, कोई टॉपिक वगैरह सर्च करना हो, तो आज जो एनसीईआरटी चलती है उसको भी आप सर्च कर सकते हैं आप, वो बेसबुक नहीं, बेसबुक का मतलब वो किताब टेबल पे हमेशा होना चाहिए आपके पास, जब पढ़ना हो आप उसे पढ़ लें, आपका नोट्स और वो किताब रेफरेंस के रूप में आप उसे यूज, जैसे 6ठी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री था, 7वीं में मेडिवल हिस्ट्री का परिचय है, 8वीं में मॉडर्न हिस्ट्री का परिचय है, 9th, 10th, 11th, 12th में बहुत सारे सेलेक्टेड टॉपिक लिए गए हैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो 6ठी, 7वीं और 8वीं तो एक तरह से मान के चलो कि मैंडेटरी जैसा है आपके लिए भी, 4-4 घंटे में वो कहानी खत्म हो जाती है उसकी पूरी किताब, मतलब अभी नहीं जब पूरा कमांड होगा तब 4 घंटे में, पहली बार पढ़ोगे तो टाइम काफी लग जाएगा आपको। तो जो एनसीईआरटी की किताब चलती है ना उसको रेगुलर बेसिस में आप को, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्रम से पढ़िए उसको, आप जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 6 नंबर वाली जो किताब थी क्लास 6 वाली किताब, 9th, 10th, 11th, 12th में जहां भी एंशिएंट हिस्ट्री पे कोई चैप्टर है आपको रैंडम मन किया पढ़ने का, कुछ और जानते हैं
तो उसके लिए, ठीक है, या फिर कभी आपने प्रैक्टिस किया, कोई क्वेश्चन नहीं बना तो चलो एनसीईआरटी वाले देखते हैं क्या उसमें दिया हुआ है क्या। हम अपने क्वेश्चन जो बनाते हैं, फ्रेम करते हैं टेस्ट सीरीज में, उसमें हम उन एनसीईआरटी के भी लगभग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातों को। इसलिए हमने कहा था आपको कि टेस्ट सीरीज अपना एक सपोर्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो मॉडर्न, एंसेंट और मेडिवल तीनों में एनसीईआरटी का अपना एक रोल होगा, बट सतीश चंद्रा और मध्यकालीन भारत यही आपका बेस बुक होगा। पहले बता दिया सब मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, विपिन चंद्रा ने तो बाद में थोड़ा सा अप्रोच अपना चेंज कर दिया था, बट ये लोग प्योर मार्क्सवादी हैं एकदम, ठीक है। मार्क्सवादी लेखन क्या होता है, इनकी लेखन से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, वैसे आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन विश्लेषण इनका बहुत अच्छा होता है और ये रियल स्कॉलर हैं ये सब। तो जो खूब आलोचना होती है ना कि इतिहास में इसको महत्व नहीं मिला, इसको महत्व नहीं मिला, तो जो लोग आलोचना करते हैं उसमें पढ़ने में किसी की रुचि नहीं है भाई, उसके लिए आपको सालों साल एफर्ट और रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करके आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आलोचना तो बहुत जायज की जाती है, बट सब लाइमलाइट में आने के लिए अपनी बात, कुछ बुद्धिजीवी होंगे जो काम कर रहे होंगे, बट कोई ऐसा शोध मुझे नहीं लगा जो इतिहास के धारा में बहुत बड़ा बदलाव कर दे, बट जरूर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो शोध वगैरह पे पैसे खर्च करने की जरूरत है ना, शोधार्थी को प्रोत्साहित करने की जरूरत है और YouTube से दूर रखने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। वरना आजकल तो न्यूज चैनल से ज्यादा लोग YouTube पे ही आने के लिए ललायत रहते हैं कि भाई कुछ ऐसा करें जो लोग हमें जान जाए कि मतलब मैं भी बहुत बड़ा विद्वान हूं, ठीक है। तो शोध है, हम लोग इन किताबों को ही बेस बनाकर थोड़ा अपने मौलिक तरीके से उसे हम सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं आपको। हम लोग कोई रिसर्च नहीं करते हैं ना, वी आर नॉट, ना ये एकेडमिक की क्लास होती है, कोई भी बात बताई जाती है तो किताबों के बेसिस पे ही बताई जाती है आपको, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में एक छोटी सी बात और लास्ट ऐसे ध्यान देने वाली है, जब आप पढ़ोगे तो जैसे ये तो कृष्णा नदी है, ऐसे तुंगभद्रा नदी है। अक्सर क्या होता है, नीचे जिसका शासन है इधर की तरफ, जैसे मान लो यहां पल्लवों का शासन है तो चालुक्यों और राजकूटों से संघर्ष होना तय है उसका, या यहां चालुक्य और राजकूट है उसके समकालीन तो पल्लवों से लड़ना उसका तय है। जैसे चेर चोल पांडे आपस में लड़ते रहते थे, जैसे यहां पर राजकूट और कल्याणी के चालुक आ गए तो यहां चोल आ गए तो उनका, इधर वाला जो है श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया मालदीव की तरफ ज्यादा, वो कॉन्सेप्ट के रूप में जब आप पढ़ोगे लड़ाइयां होंगी, इधर से उसने उधर आक्रमण किया, याद नहीं रखना आपने। ज्यादातर लड़ाई जो हुई है साम्राज्य विस्तार में कृष्णा तुंगभद्रा दुआब पे कब्जा को लेकर के हुई है, ये बहुत उपजाऊ इलाका है और यहां पे कुछ माइंस वगैरह भी हैं जो बहुत उपयोगी हैं। मध्यकाल में विजयनगर इधर होगा, विजयनगर इधर होगा बहमनी, इनके बीच में भी खूब लड़ाइयां होंगे। विजयनगर से यूपीएससी हर एक साल कम से कम पीटी में एक आधा सवाल पूछ रही है मध्यकाल में, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई विस्तार किधर करोगे, उत्तर वाले दक्षिण में, या तो विंध्य पर्वत पार करके उधर जाओ या दक्षिण की तरफ आओ, या ये ऊपर की तरफ जाएंगे या समुद्र की तरफ कहीं जाएंगे। तो पढ़ने के दौरान ये आपको दिखेगा कि इधर से इधर आक्रमण हुआ, इधर से इधर आक्रमण हुआ, वो उसकी राजधानी पे बैठ गया, ये उसकी राजधानी पे बैठ गया, उसने इतना हरजाना लिया और वैवाहिक संबंध लिया, ऐसा चलता रहता है। अब इसी के बेसिस पे क्या, जो कृष्णा के नीचे द्रविड़ स्थापत, इस वाले इलाके में वेसर शैली और इससे ऊपर वाले इलाके में पूर्व मध्यकाल में नागर शैली कला के बारे में जो हम, तो आपको पहले से पता रहेगा इन राजवंशों ने इस कला शैली को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। आज चर्चा को यहीं पर रोकते हैं, है ना, रिविजन कर लीजिएगा आप लोग। कल हम लोग, कल क्लास है ना, तो कल हम लोग जो बताई दिया आपको कि पूर्व मध्य काल में ही हम कल अस्थापत्य, कल पहले सामंतवाद बता दूंगा मैं आपको थोड़ा आधे घंटे में, फिर अस्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला,
कल्चर वाली कल क्लास होगी आपके एक तरह से पूरी तरह से। हाँ जो काल का कहीं कहीं अंतर दिखाई पड़ता है ना, वो सत्ता को लेकर संघर्ष होता है। जैसे एक शासक दो शासक के बीच में 2 साल 5 साल तो कुछ संघर्ष होता है, तय नहीं था कि किसका शासन होगा, आपस में लड़ रहे होते हैं, या कोई ऐसा आक्रमण हो गया, कोई क्राइसिस आ गई, ठीक है, ऐसा होता है ना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग कल।